जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशाला राम कथा कालिका कराला, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहिं जहिं पाना, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहिं जहिं पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कलिका मधिकाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कलिका मधिकाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सवि भंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सवि भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कलि बिकप कोठारी,
सादर सुन गिरी राजकुमारी राम कथा कलि बिट पकुठारी सादर सुन गिरी राजकुमारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा मेरा भी संशय भागेगा मेरा भी संशय भागेगा माँ पार्वती कर जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है 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 जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा परम विरहा कुल सीता सोच कपि कल्प समीता रामचंद्र गुण बरने लागा सुनहि सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण बरने लागा सुनहि सीता कर दुख भागा तेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागे मेरे माँ सीता कर यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलिए शंकर भगवान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय भारत माता की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगलपाद पद्मों में साष्टांग दंडवत हनुमान जी महाराज की पावन प्रेरणा से और उन्हीं के पवित्र सानिध्य में आयोजित दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के सेवा कार्यों को समर्पित इस कथा के सभी आयोजकों को दिव्य प्रेम सेवा मिशन
बस्ती इकाई के सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को, मुख्य यजमान सहित आज के समस्त यजमान परिवारों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी महानुभावों को, हरिद्वार से पधारे सभी मिशन के कार्यकर्ताओं को और उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, संगीत के प्रिय साधकों को, मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं, कल यात्रा ने जहां पर विराम लिया था, उसके आगे की यात्रा हम सब साथ साथ करें। बंधुओं, माताओं, ये कथा भी जीवन यात्रा की तरह चलती है, कथा यात्रा भी जीवन यात्रा की तरह चलती है। बस फर्क इतना है, जीवन यात्रा एक निश्चित निर्धारित समय पर रुक जाती है, लेकिन ये कथा यात्रा कभी रुकती नहीं है। जन्म जन्मांतर तक इसका प्रवाह बना रहता है, इसका प्रभाव। और जन्म जन्मांतर जब मैं कहता हूं तो बड़े प्रमाण से, बड़े आधार से कहता हूं, ध्यान से सुनना। नारद जी पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, ये नारद जी ने स्वयं सुनाया है, आपने भागवत में संभवतः सुना हो। नारद जी दासी के पुत्र थे, लेकिन कथा का जन्म जन्मांतर का प्रभाव देखो, वो दासी का पुत्र संतों की सेवा में लग गया, सत्संग में जाने लगा, कथाओं को सुनने लगा, और अगला जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद के रूप में प्राप्त हो। इसलिए कथा यात्रा जन्म जन्मांतर का प्रवाह। कल भगवान चारों भाइयों के सहित विवाहित होकर श्रीधाम अयोध्या लौटे हैं। गोस्वामी जी अयोध्या कांड को प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, यदि मानस को कल्पवृक्ष माना जाए, मानस को यदि कल्पवृक्ष माना जाए, तो बालकांड उस कल्पवृक्ष की जड़ है। बालकांड उस कल्पवृक्ष की जड़ है और अयोध्या कांड उस वृक्ष का तना। दर्शन करो, बालकांड जड़ है और अयोध्या कांड तना है, और जिस वृक्ष का जड़ जितना गहरा होता है और तना जितना मजबूत होता है, वह वृक्ष अमर हो जाता है, युगों युगों तक वह जीवित रहता है। और इसीलिए आप देखो, बालकांड और अयोध्या कांड में लगभग दोहों की संख्या बराबर है, लगभग 19-20। कितने महत्वपूर्ण बाबा ने संकेत दिया। और अयोध्या कांड को प्रारंभ जानते हो कहां से करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनौं रघुवर विमल यश जो दायक फल चाहे। कल्पना करो, गुरु को प्रणाम करके प्रारंभ हो रहा है अयोध्या कांड, और बालकांड में भी गुरु को प्रणाम करके किया है, और अयोध्या कांड में भी गुरु को प्रणाम किया है।
अयोध्या कांड का गुरु काम क्या करेगा? दर्शन करो बंधु माता, अयोध्या कांड का गुरु मन रूपी दर्पण पर जो मैल चढ़ गया है उसको साफ करेगा। निज मन मुकुर सुधा। और देखो मन पे सबसे ज्यादा दर्पण जवानी में चढ़ता है और अयोध्या कांड जवानी का कांड है, युवा राम की कहानी है। तो वो धूल न जमने पाए और यदि जम गई हो तो साफ हो जाए, इसलिए गुरु की वंदना गुरु की प्रार्थना इसका संकेत यह है कि बंधुओं माताओं जब जवानी शुरू हो जाए तो जवानी किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु की कृपा और किसी गुरु के आशीर्वाद में होनी चाहिए। फिर वह जवानी देश के काम आती है, राष्ट्र के काम आती है, परिवार के काम। चारों भाई विवाहित होकर आए हैं, अयोध्या की दशा बदल चुकी है। पहले की अयोध्या और वर्तमान अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर हो गया। बंधुओं माताओं, वैसे तो रामचरितमानस आप सबके घर में होगा और रामचरितमानस का आप पाठ भी करते हो। अयोध्या कांड का प्रारंभ जिन चौपाइयों के गायन से गोस्वामी जी ने किया है, एक सूत्र मैं आपको देता हूं कथा के प्रारंभ में। देखो कई बार सारा रामायण पूरा रामायण पढ़ना कठिन हो जाता है, हम पढ़ नहीं सकते, समय अभाव है, हमारे गृहस्थ की दिनचर्या इतनी है, व्यस्तता इतनी है, उसमें से समय निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन मैं इतना आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अयोध्या कांड की इन प्रारंभिक मांगलिक चौपाइयों को जो प्रतिदिन पढ़ता है, अमीरी कितनी आएगी मैं नहीं जानता हूं, धन कितना आएगा मैं नहीं जानता हूं, संपत्ति कितनी आएगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, व्यासपीठ से विश्वास पूर्वक बोलता हूं, अयोध्या कांड की इन प्रारंभिक मांगलिक चौपाइयों का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आ सकती है। ये व्यासपीठ आपसे निवेदन कर, क्या मांगलिक चौपाइयां हैं, एक बार मेरे साथ सब जरा बड़े भाव से गाओ। जब ते राम व्याही घर आए, जब ते राम व्याही घर आए, जब ते राम व्याही घर आए, जब
बिहारी घर आए। भगवान जब से अयोध्या में विवाहित होकर आए हैं, जरा देखो अयोध्या, नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। अयोध्या में नित्य पुण्यों के मेघ, सुकृत मेघ, पुण्यों के मेघ दिन रात वर्षा कर रहे हैं। सुकृत माने पुण्य होता है, और उन मेघों के वर्षा का परिणाम क्या हुआ? रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़ आ गई। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। क्या वैभव है जरा दर्शन करिए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ का जल समुद्र में जाता है। रिधि सिद्धि संपत्ति, इन नदियों में जब बाढ़ आई तो बाढ़ का जल किस समुद्र में गया? गोस्वामी जी ने कहा, सुनो बंधुओं माताओं, ये जो रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़ आया, इसका जल किसी प्रशांत महासागर में, किसी हिंद महासागर में, किसी अरब महासागर में जाकर नहीं गिरा। वनस्पति रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में जब बाढ़ आई, इन बाढ़ का जल अयोध्या रूपी समुद्र में आकर समा गया है। अयोध्या समुद्र हो गई है आज। अयोध्या समुद्र, रिद्धि सिद्धि उमगि अवधि अम्बुधि कहूं। नगर का वर्णन करना कठिन हो रहा है, असंभव हो रहा है। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी कहीं न जाए कछु नगर विभूति। ओहो ये वैभव। और बंधुओं माताओं, सबसे आश्चर्य वाला सुख जानते हो क्या है, जिसको देखने और सुनने के बाद भगवान भी घबराने लगे, वो आश्चर्य क्या है? सब विधि सबपुर लोग सुखारी, राम चंदु मुख चंदु निहारी। सबसे आश्चर्य वाला सुख ये है कि अयोध्या में इतना सुख है, इतनी संपत्ति है, इतनी समृद्धि है, उसके बाद भी लोग राम चंदु मुख चंदु निहारी, उसके बाद भगवान के मुखमंडल का लोग दर्शन कर रहे हैं। रामचंद मुखचंद, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है बंधुओं माताओं, कि सुख में संपत्ति में समृद्धि में वैभव में आनंद में भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना। देखो ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार सुख में संसार को याद करता है, परमात्मा को याद नहीं करता। और बंधुओं माताओं, मुझे कहने में थोड़ा संकोच जरूर लगता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास चार पैसे बढ़ते हैं, जैसे ही उसके पास कोई पद प्रतिष्ठा वैभव ये बढ़ने लगते हैं, वो सबसे पहले भगवान से दूर जाता है। चार पैसे बढ़ते हैं वो कथा से दूर जाता है, वो क्लब में जाना शुरू करता है। और चार पैसे बढ़ते हैं तो वो और महंगे क्लब में जाता है। और चार पैसे बढ़ते हैं तो वो क्या कैबरे में जाता है। और चार पैसे बढ़ते हैं तो पता नहीं अपने ऐसे तैसे में जाता, जहां भी जाता कथा में नहीं आए, कथा में। लेकिन अयोध्या में सब विधि सबपुर लोग सुखारी, राम चंद मुख चंद निहारी। इतना इतना ये भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि अयोध्या में इतने सुख में लोग मुझको कैसे याद कर रहे हैं। अरे संसार तो कब याद करता है? दुखों से जो ठोकर खाए न होती, दुखों से जो ठोकर खाए
आई न होती कार्यक्रम आ जाए, घर में चार मेहमान आ जाए, घर ध्यान से सुनना भाई, घर में कोई मौज मस्ती की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, चार रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम आ जाए, तो सबसे ज्यादा कटौती किसमें होती है? रोज तो दसमाला करते, चलो आज पैसे बस, चलो ऐसे अगरबत्ती दिखा लो, छोड़ो बस, किसमें कटौती होती है? भोजन में होती है? नहीं होती, भोजन में नहीं होती, किसमें होती है? चलो ठीक है, आज तो बस आरती कर लो, किसी तरह देखा जाए। यही तो भगवान को आश्चर्य हो रहा है,
सब विधि सब पुर लोग सुखारी राम चंद मुख चंद निहारी। वैभव में भी सुख में भी भगवान का दर्शन, ये अद्भुत अयोध्या के लोगों ने आचरण प्रस्तुत किया है बंधुओं। और वही जब दुख आता है आपके ऊपर तब क्यों नहीं बुलाते हो, तब क्यों नहीं बुलाते हो फुफा को मामा को मौसा को काका को नानी को दादी को चाची को, क्यों नहीं बुलाते? कौन है मामा मेरा दुख दूर कर दो, हे जीजा मेरा दुख कर बुलाओ, फिर तो नहीं बुलाते, फिर कौन याद आता? आपको मेरी बात की परीक्षा लेनी होगी तो कभी ले लेना। कोई नास्तिक व्यक्ति भी हो ना जिसको जो भगवान को नहीं मानता, कहता रे ठीक है सब अपने कर्मों का फल है, कोई भगवान नहीं होता है, उसको कभी सुनसान जंगल में छोड़ो जरा, सुनसान जंगल में छोड़ दो रात के 2 बजे और छोड़ के जरा छिप जाओ, जहां पर एक भी प्रकाश ना हो, जहां पर व्यक्ति ना हो, जहां पर एकदम साय साय जानवरों की आवाज आ रही हो। वो नास्तिक व्यक्ति जो परमात्मा को नहीं पूछता था, नहीं समझता था कुछ, जो सुख में और केवल संसार में वो सोचता था कि बस मैं ही शक्तिशाली हूं, आप उसको कभी सुनसान जंगल में छोड़कर देखना और चुपके से यदि उसके मन को पढ़ सको, और मन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो तेज तेज बोल रहा हो, जंगल में क्या पुकार रहा हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसा व्यक्ति भी अच्छा, वही मैं सोचा आज बहुत बढ़िया चला रहे हो, क्या बात है, नजर लग गई आज वास्तव में इतना बढ़िया बज रहा था तो मैं सोचा इनको बाद में धन्यवाद देंगे, लेकिन नजर लग गई, चलो कोई नहीं जोड़ो, अच्छा बज रहा, धन्यवाद आप बंधुओं। माताओं सुख में भी परमात्मा को याद करो, सुख में याद करो। और आपको बताऊं अयोध्या का कोई सामान्य नागरिक तो भगवान का दर्शन करना नहीं भूला, कौन भूल गया? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ ही भूल गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गलती केवल नासमझ लोगों से होती है, कई बार बड़ी बड़ी गलतियां समझदार लोगों से भी हो जाती है, लेकिन चूंकि उनकी समझ उन पर इतनी हावी रहती है, उनको लगता नहीं मैं गलत कर ही नहीं सकता, हम जो करेंगे वो सही ही करेंगे, ये एक भ्रम होता है, ये एक अध्यास होता है, ये एक अहंकार होता है। बंधुओं माताओं मेरा निवेदन है, सुख में परमात्मा को याद किया जाए। एक माह तक बारात चूकी रुकी थी जनकपुर में। अच्छा कल मैं एक गीत गा नहीं पाया, सोच रहा हूं आज सुना दो, अब जनकपुर का नाम आ गया है, कल भी मेरी इच्छा थी लेकिन चूंकि घड़ी देखने लगता हूँ फिर आप लोगों का मुंह देखता हूँ तो लगता चलो छोड़ो यार, मुंह देख के फिर मैं कथा बंद करता हूँ, ऐसे थोड़ी बंद। जब जनकपुर में ये सूचना हुई कि भगवान अब जाने लगेंगे, अब जाएंगे, तो जानते हो सखियों ने भगवान को लक्ष्मण जी को सबको घेर के ऐसे एकदम बैठ गए, नहीं कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों ना जाए, तो सखियों ने बड़ा सुंदर निवेदन प्रस्तुत किया है। ए पहुनाए मिथिले में रहुना, ए पहुनाए ससुरारी में जाने सुख ब
कृपा ससुरारी में कौने सुखवा का होना ए पहुना का क्या फायदा हो? तो सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी आपका फायदा तो हम नहीं जानते, लेकिन आपके भैया का बड़ा फायदा होगा। मेरे भैया का क्या फायदा होगा? रोज सवेरे उबटन मल के इधर से नहवाए, रोज सवेरे उबटन मल के इधर से नहवाए, करिया से गोर बनाए बो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, एक मौका दे ना ए पहुना से गोरा बना दे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो भैया का फायदा होगा और हमारा नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन भाई, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन भाई, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारे, ओ स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गाई, बार बार हम कर बची रौरी हो, बार बार हम कर बची रौरी, और कुछ हो ले होना ए पहुना मिथिले में होना ए पहुना ससुरारी में बड़ा सुंदर निवेदन किया था भगवान से। एक महाभारत रुकी थी, अयोध्या की राज्यसभा एक महीने से बैठी नहीं थी, क्योंकि महाराज ही अनुपस्थित थे तो राज्यसभा में बैठता कौन। एक माह से राज्यसभा नहीं बैठी थी, राज्यसभा के सारे कार्य अधूरे पड़े थे, विलंबित। आज एक माह के बाद सभी राजे महाराजे अन्य देश के भी आ गए हैं, सारे सचिव मंत्री, अयोध्या की जनता जनार्दन फरियादी लोग, आज एक माह के बाद अयोध्या में राज। एक समय सब सहित समाचार, राजू भी राजा।
आज राजसभा बैठी है। बंधुओं माताओं, राजसभा में महाराज का प्रवेश हुआ है और जैसे ही महाराज राजसभा में प्रवेश किए हैं, सारी सभा खड़े होकर जय जयकार करने लगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो, प्रजापालक की जय हो, अरे जय हो, जय हो, जय हो। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, बड़ी जय जयकार करवा रहे, कोई खास बात है क्या महाराज की इतनी जय जयकार? गोस्वामी जी ने कहा, रे महाराज कोई सामान्य राजा नहीं है, इनकी जितनी जय जयकार की जाए उतनी कम है। अरे जिसके घर में ब्रह्म बालक बनकर आया है, जिसके घर में काल आंगन में खेल रहा, जिसके घर में भरत जैसा संत आया, जिसके घर में वैदेही जैसी बहू आई है, वो कोई सामान्य राजा है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जो कछु कही है, थोर सब तासु, वो सब थोड़ी है, कम, कोई सामान्य राजा है दशरथ। जय हो, जय हो। सामान्यतया होता ये है, जब व्यक्ति की ज्यादा जय जयकार होती है तो वो क्या हो जाता है, फूल के कुप्पा। ये मनुष्य का स्वभाव है। और देखो, जय जयकार और प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, कोई भी हो, कोई संसार में कोई हो, किसको अपनी जय जयकार नहीं अच्छी लगती है? और कोई कहे भले कि नहीं, छोड़ो, रहने दो, लेकिन अंदर चाहता बेटा हाँ और करो, और, और। वो बाहर कहता हाँ बस रहने दो, अंदर लगता आओ, आओ। बाबा ने मानस के प्रारंभ में ही लिख दिया क्या, निज कवित के ही लागी ननिका, निज कवित के ही लागी ननिका, सरस होय अथ वा अति फीका, सरस होय अथ वा अति फीका, सरस होय अथवा अति। प्रशंसा चाहे जैसी हो, शुगर कोटेड हो चाहे शुगर फ्री हो, दोनों अच्छी लगती है। मीठी हो चाहे फीकी हो, निज कवित्त के ही लागिन नीका, सरस होई अथवा अति फीका, महाराज की जय जयकार हुई। जय हो, जय हो, जय हो। तो महाराज को क्या करना चाहिए था? महाराज को सबकी जय जयकार अर्थात सबका अभिवादन स्वीकार करना चाहिए था। आपने देखा होगा नेताओं की सभा में, राज्यसभाओं में नेताओं की जो जनसभा होती है, आपने बहुत देखा होगा, कई बार गए भी होंगे, अपने प्रिय नेताओं को सुनने लोग जाते हैं, उनके भाषण सुनने जाना चाहिए। तो जब जनता नीचे से जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती है और जब नेताजी मंच पर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंच पर आके क्या करते हैं, ऐसे हाथ हिलाए सबका अभिवादन सुन। किसी पार्टी का नेता होगा करेगा यही काम, इसमें कोई भेद नहीं, वो आएगा तो ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है, वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करता है। अच्छा एक बात बताओ, घर में तो ये बात पूछी जा सकती है, नेताओं की सभा में पहले कौन आता है, पहले जनता की पहले नेता जी है? कौन आता, तेज थोड़ा बोल दो, पहले जनता की पहले नेता, नहीं नीचे वाले बोलो, कौन आता, जनता। और नेताजी एक घंटे बाद हेलीकॉप्टर से आते हैं और धूल उड़ाते हुए और फिर सबका ऐसा हाथ हिलाकर फिर अपना भाषण देते हैं। अच्छा, और कथाओं में पहले कौन आना, पहले कथावाचक की पहले श्रोता, कौन? पीछे मुड़ के देख लो जरा, चांदनी जरा देखो, देखो कौन आया पहले, देख ले। हाँ। अब फिर शाम को देखना 7 बजे क्या हाल रहेगा, 6:30 बजे। वैसे तो कुछ नेताजी लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी इधर मुंह करके बोल दे रहा हूँ, बैठे इधर ही हैं ज्यादा। देखो नेताओं की सभा में जाना चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कथा में भी समय से आना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि जरा वो बाहर वाला माइक ठीक कराइए, कान में आवाजें नहीं आ रहा है।
इसलिए तैयारी नहीं होना शुरू करते हैं लोग जब तक बाबा जी आ नहीं जाते। हमारे गुरुदेव तो सामान्यतया बंद करा देते हैं, लेकिन चूंकि हमारा नया नया बाजार है अभी, तो हम कहते हैं चलो कोई अभी नए दुकान खुली है हो, तो मैं कहता हूँ चलो चला लो, मंत्र बंद करा देते हैं गुरु जी। इसको सुनना कम समय हो गया, सुने आकर, नहीं सुनना घर पे सो। ये सबको सारे संसार को सुनाने की कथा नहीं है, किसी के कान में क्यों अनावश्यक प्रवेश करना, यह अतिक्रमण है, लेकिन फिर भी चलो चल रहा है। नेताओं की सभा में आप जाते हैं, जाइए, झूठे सच्चे वादे सुनने के लिए धूप में लोग घंटे खड़े रहते हैं, और सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए विलंब से, ये काल का प्रभाव ही कहूंगा, और जो समय से आए हैं उनको प्रणाम करता हूं। आना चाहिए, ये अभ्यास जीवन में पढ़ना चाहिए। तो महाराज ने भरी सभा में किसी का अभिवादन स्वीकार नहीं किया, नहीं अभिवादन स्वीकार करना चाहिए था लोगों का हाथ हिलाकर, लेकिन महाराज दशरथ ने बंधुओं माताओं भरी सभा में क्या किया? राय सोभाय मुकुरो कर लीना, राय सोभाय मुकुरो कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकेना, बदन बिलो के मुकुट समकेना, राय सोभाय मुकुरो कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकेना, बदन बिलो के मुकुट समकेना। भरी सभा में शीशा लेकर देखने लगे, राय सुभाय मुकुर कर लीना। जरा सोचो, भरी सभा में कोई शीशा देखे तो कैसा लगेगा? किसी सचिव ने टोक भी दिया, महाराज ये मर्यादा की राजसभा में भरी सभा में शीशा देखते हो, अटपटा नहीं लग रहा है? लेकिन महाराज की ये आदत थी, राय सुभाय स्वभाव, जैसे कुछ लोगों का स्वभाव, देखो तीन बातें हैं, दर्शन करिए, एक है गुण, एक है दोष, एक है स्वभाव। गुण दोष स्वभाव, गुण और दोष परिवर्तनीय होते हैं, गुण और दोष परिवर्तनीय होते हैं, मतलब गुण आ सकते हैं, गुण जा सकते हैं, दोष आ सकते हैं, दोषों से विमोचन भी हो सकता है, दोषों से आप दूर भी हो सकते हैं चाह के, लेकिन स्वभाव माने आदत, आदत जल्दी से नहीं बदलती है। गुण और दोष तो बदल जाते हैं, आदत नहीं बदलती है। लोग कई बार कहते हैं ना, किसी को डिफेंड करना होता, किसी को बचाना होता तो लोग क्या कहते हैं, छोड़ो छोड़ो इसकी आदत ही ऐसी, ये आदमी तो ठीक है, इसकी आदत खराब, भीतर से बहुत अच्छा बोलते ही खराब है, बाकी सब ठीक है, ऐसा कई बार लोग कहते हैं ना। वैसे जो बोलता खराब है वो भीतर से बहुत ठीक होगा, इसमें संशय है, क्षमा करना। अच्छा मूली खाओगे तो क्या गाजर की डकार आएगी? किसकी डकार आएगी? मूली की, जो खाओगे उसकी डकार आएगी, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो जो भीतर होगा लगभग वही बाहर 19-20 चलता है। मेरा निवेदन है स्वभाव भी ठीक रखा जाए, तो आदतें ठीक रखें। कई बार ऐसी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, छूटती नहीं है, जैसे कुछ लोगों को कितनों रोटी खिला दी जब तक नाखून नहीं खाएंगे उनका पेट नहीं भरेगा, वो खाता, वो स्वभाव। जैसे कुछ लोग कुर्सी पे बैठेंगे तो पैर जरूर हिलाएंगे, कितनों मना करेंगे तो, जैसे कुछ लोग के हाथ में यदि कोई नुकीली चीज है, चाबी है, सी कुछ भी है, वो जरूर खजुआते रहेंगे, कान में डालेंगे, कई बार तो वही कान से निकालेंगे मुंह में डाल लेंगे, फिर कानों में, अरे बाप बाप।
ये क्या है, ये आदतें पड़ जाती सुधरती नहीं, बुरी आदतें। और गीतकार क्या कहता है, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। महाराज की आदत थी भरी सभा में शीशा देखने लगे। बंधुओं माताओं, एक सूत्र अब सुनिए ध्यान से। महाराज ने कहा कि देखो मैं भरी सभा में शीशा देख रहा हूं, अटपटा लग रहा है, लेकिन शीशा एकांत में सबको देखना चाहिए। भरी सभा में कोई ना देखे चलेगा, अकेले में शीशा सबको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शीशा ही व्यक्ति का गुरु होता है, शीशा ही व्यक्ति का दुश्मन होता है। शीशा स्वयं से देख लेंगे तो गुरु का काम करेगा, और वही शीशा दूसरा दिखलाएगा तो दुश्मन का काम करेगा। कैसे? आप नहाए धोए शीशे के सामने खड़े हुए तो शीशा बता देगा भैया कान में साबुन लगा है, जरा साफ करो, कमीज की बटन ऊपर नीचे हो गए ठीक करो। जो कुछ भी है वो आपको वो सिखाएगा समझाएगा शीशा। और मान लो चौराहे पे निकले और किसी ने आपसे कह दिया अपना मुंह तो देख लो शीशे में है, बड़े आए, क्या करोगे? फिर शीशा भी तोड़ोगे, बोलने वाले का मुंह भी फोड़ने का प्रयास करोगे, तेरी हिम्मत, तुझे शीशा देख। बंधुओं माताओं, स्वयं से शीशा देखेंगे तो गुरु का काम करेगा, दूसरा दिखलाएगा तो दुश्मन का काम करेगा। शीशा देखने का अर्थ क्या है? शीशा देखने का अर्थ आत्मवलोकन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन, आत्मसंवाद, अपना मूल्यांकन स्वयं। मैं कौन हूं? Who am I? मैं कौन? अपना मूल्यांकन स्वयं होना चाहिए। और बंधुओं माताओं, घर का शीशा भले ही आपका फूट गया हो, फूटा शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। अब फूट भी गया हो मान लो, तो जानते हो परमात्मा ने एक एक शीशा आप सबको दिया है। आप देखें भले ना, वो एक गीत गाया सिनेमा में, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। और ये दर्पण क्या करता है? मन ही देवता, मन ही
मन है ना, इसी को ठीक रखना है, बस इसी मन से सब होता है, इसी मन से सब, इसी मन से सब होता है। और इसीलिए वेद में आनंद होता है, जिन आचार्यों ने, जिन गुरुजनों को, गुरुजनों ने हमको पढ़ाया लिखाया बचपन में, उन सबका मैं दर्शन कर रहा हूँ। भवानी आचार्य जी भी आए, उनको प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से। हाँ हाँ, बड़ा मारे हैं हो बचपन में, अरे घम घम, वो मुक्वा बहनों याद, ओह हमको, अरे क्या बताएं, चलो आनंद है, लेकिन वाह आनंद आ जाता है हमारे हैं। किस जन्म के पुण्यों का परिणाम है यार, मन की बात कर रहा हूं, मन की बात। देखो मन यदि आपका ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है। कई बार लोग कहते हैं, नहीं मन नहीं, मेरा मन बहुत खराब है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं, मैं बात नहीं करूं, मेरा मन नहीं ठीक है। इसलिए मन ठीक रखना जरूरी है। मन ठीक कैसे होगा, देखो वेद का भी ऋषि क्या प्रार्थना करता है, जस जागृतो दूर मुदैति दूरम तदु सुप्तस्य तथाई वैति दूरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो, मेरा मन शुभ हो। हमारा वेद का ऋषि कहता है, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः अदभ्यासो अपरिदास उद्विदः। सब अच्छी बातें मेरे मन में आ जाए, मेरे बुद्धि में आ जाए, मेरे विवेक में आ जाए, मेरे इंद्रियों में प्रवेश कर, मन ठीक होना चाहिए बंधु माता। इसलिए दर्पण सबको देखना है, मन अपना ठीक रखना है। शीशा देखने का अर्थ क्या है, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्म मूल्यांकन। महाराज दशरथ भरी सभा में शीशा देखते थे, भरी सभा में। हम सब भी देखें अकेले में, हम सब अकेले में देखें। मेरा निवेदन है, और देखो शीशा कब देखना चाहिए, तब जरूर देखना चाहिए जब आपको आते हुए देखकर लोग रास्ता खाली कराने लगे,
आपको लोग दूर से ही देखकर प्रणाम करने लगे, आपके लिए कुर्सियां झाड़ने लगे, आपके लिए कुर्सियां पोंछने लगे, आपको लोग जय जयकार करने लगे, आपके लिए माला लेकर खड़े रहने लगे, आपको भरी सभा में अलग से सम्मान दिया जाए, एक विशेष प्रोटोकॉल के तहत आपका शिष्टाचार किया जाए, तब शीशा जरूर देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब आपके प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। और बंधुओं माताओं, श्रद्धा बालू के ढेर पे बनती है, बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक कोई घटना सारी श्रद्धा को समाप्त कर देती है। इसलिए श्रद्धा बढ़नी चाहिए। श्रद्धा गंगा है, गंगा में प्रवाह चाहिए, निर्मलता चाहिए, अविरलता चाहिए, अबाध गति चाहिए, सातत्य चाहिए। इसलिए शीशा जरूर देखना चाहिए, और कोई देखे ना देखे दो लोगों को जरूर देखना चाहिए, एक जो राजगद्दी पे बैठते हैं, दूसरे जो व्यास गद्दी पे बैठते हैं, इन दोनों को शीशा। और दुर्भाग्य से यह दोनों नहीं देख रहे, तो हर 5 साल बाद जनता शीशा लेके खड़ी हो जाती, ले बेटा मुंह देख नीचे उतर चल। आप नहीं देखोगे तो मैंने पहले ही कहा था दूसरा दिखलाएगा, वो नियम। इसलिए आत्मवलोकन महाराज दशरथ धर्म धुरंधर आचरण प्रस्तुत कर रहे। भरी सभा में शीशा देखे तो शीशे में क्या दिखलाई पड़ा? श्रवण समीपा भये सीत केतु, श्रवण समीपा भये सीत केतु, सभा में शीशा देखा। भरी सभा में उनको शीशा देखने के बाद क्या दिखलाई पड़ा? कान के पास के बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भयसित केसा, ये कान के पास के बाल सफेद सबसे पहले क्यों होते हैं? सबसे पहले सफेद वही होंगे कान। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे मानो ये उपदेश कर रहे हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, और उपदेश कहां से सुना जाता है? कान। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे राजन सुनो, अब बुढ़ापा आ गया है, ये सफेद बाल तुमको संकेत कर रहे राजन, अब अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अब भोग से योग की ओर चलो, अब काम से राम की ओर चलो। अभी तक भोग की कीचड़ में सड़ रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं, अब भोग से योग की ओर चलो, ये उपदेश कर रहे हैं। बंधु माताओं, ये सफेद बाल संकेत करते हैं सावधान, ये अलार्म है। परमात्मा कई बार अलार्म बजाता रहता है जीवन में, लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि अलार्म में बंद कर दो। हम लोग जब पढ़ते थे तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, और 4 बजे जब अलार्म बजे तो एक बार बंद कर दो, तब फिर 5 मिनट बाद वो बजता है, फिर बंद कर दें। अच्छा, बार बार जब बजता था और नींद खराब होती थी तो एक बार ऐसा तेज से दबा दिया जा बजबे नहीं। तो कई बार हम लोग भी यही कर दे रहे। परमात्मा समय समय पर अलार्म बजाता है, जीवन में ऐसी घटनाएं घटाता है, जीवन में ऐसे संकेत करता है, बेटा सावधान, बेटा सावधान। लेकिन एक संत कह रहे थे ना कि भगवान बाल सफेद करता है सावधान करने के, लेकिन कलयुग के आदमी से भगवानों हार गए। भगवान बाल सफेद करता है, अब कलयुग का आदमी हर 8वें दिन डाई लगा के काला कर रहे, जा हम मन में नहीं कर। वैसे जो काला कर रहा करते रहना, मेरे कहने से बंद मत करना, ठीक है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, लेकिन मन कहीं काला ना हो जाए, इसको ध्यान देना है बस।
बाल काले कर लेना दोबारा कोई बात नहीं, मन नहीं काला। सफेद बाल का संकेत है असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। अब असत से सत की ओर चलेंगे, अब अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे, अब मृत्यु से अमरता की ओर चलेंगे। और ये कान के पास के सफेद बाल हमको यही सिखा रहे हैं। हमारे पंजाब में एक बड़े संत हुए हैं नत्था सिंह, बड़ा सुंदर लिखते हैं इस प्रसंग पर। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग। गाड़ी में बैठ के स्टेशन पहुंचे, बंधुओं माताओं सत्य घटना बता रहा हूं। स्टेशन के अंदर प्रवेश किए और जैसे ही प्लेटफार्म पे पहुंचे क्या घटना हुई, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो ये जीवन का समय घर से चला निकल हाँ। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बैरंग आया, मायूस हाथ मलता, वापिस बैरंग आया, जीवन खत्म का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो।
बूढ़े तनिक हरिक से सुना जाए। श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु असउपदेशा। राजन अब बाहर निकलो। बंधु माता हम सबके लिए संकेत, इन संकेतों को सुनना। देखो ये जो जीवन में अवसर है ना, अपॉर्चुनिटी, ये बड़े धीरे से आहट करती है। सूत्र है कथा का, ये इतना धीमे से दरवाजा खटखटाती है। यदि आप चैतन्य हैं तब तो सुन लेंगे, नहीं तो अवसर लौट के चला जाए। जो विपत्ति है वो एकदम वो पीटती है दरवाजा, हा, 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 हा। लेकिन अवसर, अवसर इतने धीमे, इतने चुपके, उसकी आहट को केवल सुनना पड़ता, अनुभव करना पड़ता। ये परमात्मा अवसर, अवसर इसको सुनिए, इसको समझिए, इसका अनुभव करिए। तो महाराज को लगा कि ये मेरा मुकुट मेरे सिर से गिर रहा है और मेरा मुकुट मेरे शीश से गिरे इसके पूर्व किसी योग्य शीश पर जाना चाहिए, क्योंकि मुकुट सत्ता का प्रतीक है बंधुओं माताओं, और सत्ता सदैव सम रहनी चाहिए, न इधर झुकी हो न इधर झुकी हो। तो महाराज को लगा कि ये मुकुट मेरे शीश से गिरे इसके पूर्व किसी योग्य शीश पर जाना चाहिए, और सत्ता तो सत्य नारायण के शीश पर शोभा देती है। क्यों न सत्ता का स्थानांतरण सत्य नारायण को किया जाए, क्यों न सत्ता का, क्यों न राम को राजा बना दिया जाए। देखो ये है दशरथ, सुनो ये हैं दशरथ जो सोच रहे हैं कि सत्ता को बदल दिया जाए, और एक है दशानन। दोनों में अंतर समझिए, मूल अंतर क्या है। दशरथ, दशरथ का मुकुट तिरछा हुआ तो सोचा कि मुकुट ही अब उतार के रख दिया जाए, और दशानन दस मुकुट था, एक एक गिर रहा था, झपट्टा मार मार के रख ले रहा था, जाने नहीं देंगे जो होगा देखा जाए। अब हम दशरथ हैं कि दशानन, विचार कर लीजिए। हम दशरथ हैं कि दशानन, जो जीवन भर बोझा ढोए वो है दशानन, और जो समय रहते ही भजन करने लगे बोझा उतार के वो है दशरथ। सरल कर दिया हम, और सरल कर दूं, और सरल करता हूं। समय रहते ही बहु बेटों के ऊपर जिम्मेदारी सौंप देना, घर के काम में मन कम लगाना, भजन में ज्यादा लगाना, ये है दशरथ। और कबर में गोड़ लटका रहे फिर भी बहु बेटों के बीच में टें 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 करना, टें टें टें, अपना ही जीवन भर चलाना, अपनी संकेत ही कर सकता, इसको कहते हैं दशानन। कुछ लोगों की आदत होती है, उनका मन भजन में लगे नहीं सकता है। यद्यपि लोगों ने बुढ़ापा रिजर्व किया था भजन के लिए कि बुढ़ापा में भजन करेंगे, मेरी बात कड़वी लगेगी, जो जवानी में भजन नहीं किया बुढ़ापा में कदापि नहीं कर सकता, कदापि। जिसने जीवन भर गाली दिया है मरते समय गीता सुनेगा,
जिसने जीवन भर कलह किया है मरते समय कीर्तन करेगा? ये गलत फहमी है, ना हो तो देख लेना अपने अगल बगल, कभी अनुभव कर लेना, ये संभव नहीं है, संभव नहीं। समय है, अनावश्यक बोझा मत ला दो। और देखो जो एवरेस्ट आदि पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, आपने देखा होगा वो जब चढ़ते हैं तो अपने पीठ पर बोझा कम ला देते हैं। बंधु माताओं, जिसको भी ऊंचाई पे चढ़ना है उसको बोझा कम ला देना पड़ेगा। जिसको भी अध्यात्म की भक्ति की शिखर पर जाना है, अध्यात्म भक्ति के, उसको थोड़ा सा बोझा कम ला देना। बोझा माने क्या? अनावश्यक दिमाग नहीं लगा। सब मेरे हिसाब से ही हो जीवन भर, ये संभव नहीं है। आपका समय गया, आपका समय जब तक था तब तक आपने शासन किया, आपने अपने हिसाब से घर परिवार समाज नौकरी चाकरी खेत किसानी दुकान सब चलाया आपने। अब आपका समय समाप्त, टाइम ओवर, अब तो चेत जाओ है? लेकिन मरते समय ऐसी माया घेरती है, हो क्या बताए, ऐसी माया घेरती है, मरते समय पता नहीं कुछ ज्यादा ही घेरने लगती है। अरे इसमें चबिया गठिया रहते हैं इस जनेऊआ, ये चाबी के लिए है, ये चाबी के लिए नहीं है, उसमें रखे रहते, कहे कहीं कोई खोल के निकाल ले, इतना भयभीत है। आप बूढ़ी माताओं को क्षमा करना, दो दिन बचा है आते रहना कथा में, गुस्सा ना मत। ओ इनके पास कोई सामान आ गया, मान लो धीरे से कोई इनको दे दिया, ये ऐसा अलमारी छुपाए देंगी उसको, ना अपने खाएंगी ना दूसरे खाने देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो तो जब अलमारी में से सड़न धाने लगती, सड़ने लगता तो कहें अरे अम्मा जी आपके अलमारी से, अब तो अम्मा जी फंस गई, अब क्या कर, लो 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 खा लो खा लो, अब तुम ही खाओ मरो, अब फंफूदी लग गया तो खाएंगे लोग। मेरा निवेदन है, अरे नहीं, जवानी में मान लो कभी कभी थोड़ा 19-20 चल भी जाए, मान लो नहीं कर पाए, बुढ़ापे में तो इंद्रियों, वैसे तो जवानी में ही करो, जवानी में इंद्रियों का संघर्ष होना चाहिए, ये जीभ ये हाथ कान ये पैर, ये परमात्मा ने जो भी दिया, ये मेरा निवेदन है, इन इंद्रियों की सार्थकता क्या है, एक बार जरा झूम के गाया जाए यार। राम ही राम रटने लागे जीधिया, 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 राम ही राम ही राम का। अरे मैं कह रहा हूं जीव राम राम बोले, इससे सुनहरा अवसर पता नहीं मिले ना मिले, एक बार फिर से गाओ राम राम रटने लागे सब गाओ, राम ही राम रटने लागे जीभिया, राम ही राम राम लागे जीविया।
सिर का मुकुट तिरछा हुआ तो उन्होंने विचार कर लिया, ये मुकुट किसी योग्य शीश पर जाना चाहिए। ये मुकुट मेरे शीश से गिर जाए उसके पूर्व किसी योग्य। बंधुओ माताओं, यही दशरथ है, बार बार इसको बोलना, यही दशरथ समय रहते ही सावधान, क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखान। समय रहते ही जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होत है। समय रहते ही महाराज को लगा कि अब राम का राज्याभिषेक किया जाए, और महाराज सीधे पहुंच गए। गुरुदेव वशिष्ठ, गुरुजी मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया है, मेरे दुश्मन भी मेरे राम की प्रशंसा करते हैं, बैरी राम बड़ाई करें। मेरे मन में विचार आ रहा है क्यों न राम को राजा बना दिया जाए। गुरुदेव तो प्रसन्न हो गए, ओहो राजन क्या श्रेष्ठ विचार है, आनंद आ गया, बहुत श्रेष्ठ। तो गुरुजी मुहूर्त निकाल दीजिए, और जैसे ही मुहूर्त के लिए कहा है,
वशिष्ठ जी ने कहा राजन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जिस क्षण राम राजा बनेगा वही समय शुभ हो जाएगा, वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबरा, इसलिए राजन बेग विलंब न करी नृप साजे सब ही समा, विलंब मत करना जाओ। और बंधु माताओं वशिष्ठ जी ये क्यों बोल रहे हैं, अरे जिसके जन्म के समय सारे समय लग्न नक्षत्र अनुकूल हो गए, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, अरे जब वो राजा बनेगा तो अपने आप सब अनुकूल हो जाएंगे, सब अनुकूल हो, चिंता मत करो। और कई बार हम लोग भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त खोजते रहते हैं। मेरे कहने का अन्यथा अर्थ मत लगाइएगा, शादी ब्याह के कार्यक्रम में मुहूर्त खोजते हो खोजो, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय दूसरा, शुभ काम को करने के लिए बहुत मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हम लोग शुभ काम के लिए बहुत मुहूर्त खोजते हैं, अरे दान आधी रात में दोगे तो फलीभूत होगा, उसका परिणाम शुभ होगा, कभी देना, सेवा करना हो कभी करना। हाँ एक बात बताऊं, अशुभ करना हो गलत करना हो तब जरूर मुहूर्त दिखलवा लेना, कहीं पकड़े तो नहीं जाओ, कहीं छापा तो नहीं पड़े। आदमी शुभ के लिए मुहूर्त दिखलवाता है और गलत काम धड़ल्ले से करता है, उसमें मुहूर्त नहीं दिखलवाता। मेरा निवेदन है शुभ का परिणाम शुभ, ये भारतीय दर्शन के सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद है, सत का प्रणाम सत होता, असत का प्रणाम असत होता, अशुभ का प्रणाम अशुभ होता, शुभ का प्रणाम। अरे कभी बालू पेरने से तेल निकलता है क्या? ये बाबा ने इस सिद्धांत की स्थापना की है, तुलसी जी ने, बालू पेरने से तेल निकलता नहीं, 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 नहीं। शुभ का परिणाम शुभ होता है, कई बार वो दिखने में जरूर लगता है अरे क्या बात है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे पूरा जीवन पूजा पाठ करते रहे और सारा संकट इन्हीं के ऊपर आता रहा, इसका अर्थ एकदम दूसरा है। उनका संकट भगवान बहुत जल्दी जल्दी काट रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, गलत अर्थ मत लगाया करो, नहीं तो जीवन भर रोना पड़ेगा, आंसू पोंछते पोंछते थक जाओ। जीवन की घटनाओं का ठीक अर्थ लगाना, सही अर्थ लगाना, संकेतों को ठीक समझना, सही समझना। दुख और दर्द भगवान से ज्यादा किसी के जीवन में आ सकते हैं क्या? भगवान राम के जीवन में जितना कष्ट आया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन, उतना कष्ट किसी के जीवन में आप सोच सकते हो? नहीं सोच, सोचा ही नहीं जा सकता, घटने की बात ही छोड़ दो। इसलिए इसको समझना, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबरा। तो गुरु जी कल कर दें, कल, और जैसे ही कल कहा गुरुजी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मन ही मन सोचने लगे राजन कल तो किसी का आता नहीं है, कल किसी का आया है? देखो कल नहीं आता है, सोम के बाद मंगल आता, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बीपे, बीपे के बाद सुख, सुख बाद शनिचर, शनिचर इतवार, इतवार के बाद फिर सोम, इसमें कल कहा है? एक दो तीन चार पांच छह सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस फिर एक संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे फिर कहा कल कहा कल नहीं आता। कल एक कोरी कल्पना ही कल्पना है, कल नहीं आता। जाओ राजन ठीक है। और बंधु माताओं हम सब भी यही करते हैं, ध्यान से सुनो, हम शुभ काम को कल पर टालते हैं और अशुभ को तत्काल करते हैं। किसी को गाली देना होता है तो फौरन दे दे, और किसी को क्षमा करना होता है तो बाद में सोचते हैं पता नहीं सॉरी बोलने से उसका मन तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं मेरी इज्जत तो नहीं घट जाए, सॉरी बाद में बोलते हैं, हाँ यार गलती हो गई थी सॉरी, क्या करेगा तेरा सॉरी। क्षमा सामने करो,
गाली बाद में देने को सोचना। आदमी को कथा सुननी होती है, अरे चलो अभी 7 दिन पढ़े, देखा जाएगा, किसी दिन चल चलेंगे, अरे वो बुलाया भाई जी ने एक बार, देखा एसकान जी ने भी कहा था वो, चलो देख लेंगे अभी तो 7 दिन बस। और सिनेमा देखना होगा तो ब्लैक का टिकट मंगा के देखते हैं, बस दिन तो पता नहीं चल रहा कि नहीं, पिक्चर हाल को चल रहा कि नहीं, एक बंदे हो जाए ठीक है। आजकल तो पिक्चर हॉल की जरूरत ही नहीं है। अरे क्षमा, जवान तो जवान, बूढ़े लोग मोबाइल में पिक्चर देखते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से, बूढ़े लोग कथवा में बैठेंगे तभी मोबाइल ये चलाते रहे। अरे कौन सा यार मोदी जी का मैसेज आ रहा समझ नहीं पाता है, कथा में मोबाइल क्यों चलाते हो? अरे कोई गंभीर कोई आदमी पुलिस का हो, कोई ऐसा आदमी हो, चलो आ सकता मैं, कथवा में मोबाइल, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक, अरे यार तुम्हारा फेस बिगड़ रहा फेसबुक चेक कर रहे, क्या तमाशा बना, क्षमा करिएगा, ये विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा, पागलपन हो रहा, लोग पागल होते चले जाए, पागल। कुछ लोग तो ऐसे, हे भगवान उनको परमात्मा सद्बुद्धि दो, व्यास पीठ से निवेदन, सुबह उठिए उनके 10-12 मैसेज, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, इतना ज्ञान पिलाते हैं, अरे भाई तुम अपने ऊपर इसको अप्लाई करो, क्यों दूसरे भेजते, इतना ये फोटो वो फोटो ये, अरे नरक कर देते हैं यार है? हम तो लगभग लोगों को ब्लॉक कर दिए, जाओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में भजन किया जाता, दूसरे के नाक में दम नहीं किया जाता, नाक में दम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उसका गुड मॉर्निंग तुम बैड कर दे रहे हो, सही बता रहा हूं, क्षमा करिएगा। कोई जरूरी बात हो, कोई अच्छा संदेश हो, कोई लगता है कि प्रेरणा, ठीक है उसको भेज दो, नियम से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, 4 बार तो ये हो गया, नहीं ठीक नहीं। शुभ काम को तत्काल करिए, अशुभ को टालिए, सूत्र दे रहा हूं, शुभ काम को तत्काल करिए, दान देना हो तुरंत दीजिए, सेवा करनी हो तुरंत करिए, क्षमा करना हो तुरंत करिए, गाली देना हो बाद में टाल दो, मेरा निवेदन है, शुभ काम को तत्काल करिए, अशुभ को टालिए, अशुभ को टाल। देखो रावण मामूली विद्वान नहीं था, रावण को क्या समझते हो, आपके घर में 200-400 ग्राम सोने होंगे, उसकी लंका ही सोने की थी, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, भगवान यही लक्ष्मण जी से कह रहे थे, इसकी लंका ही सोने की है। हमारे यहाँ 2-4 नौकर चाकर होंगे झाड़ू पोछा के लिए, उसके यहाँ देवता स्वर्ग के झाड़ू पोछा लगाते थे, कुबेर उसके यहाँ पानी भरता था, और काल जिससे आप लोग थर 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 कांपते हैं उसके चारपाई के पाटी में बंधा रहता था। और विद्वान, विद्वान तो ऐसा था कि मतलब मैं क्या, आप साधक इतना बड़ा तपस्वी था कि भगवान शंकर को जटा तवि गलत जल प्रवाह भावित स्थले गले वलम विलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट मर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनश्च व शिवम जटा कटा संभ्रमम भ्रमम निलम निर्जरी विलोल वीच वल लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वलल ललाट पट भाव के किशोर चंद्र शेखर रति प्रति झड़प। ऐसा श्लोक आता था, एकदम भगवान शंकर प्रकट हो जाते थे रावण के सामने, क्या विद्वान, बोलने से जीवा लड़ पड़ा था, ऐसा विद्वान था। लेकिन ऐसे विद्वान रावण की दुर्दशा क्या हुई, जानकी जी का अपहरण करके जब लाया, सारी लंका कहती थी अरे वापस करा, वापस करा, लंका ही नहीं मंदोदरी कहती थी, मंदोदरी कहती थी अरे भाई जब से तुम इसको लाए हो ये लंका ठंड की काली भयानक रात जैसी लगती है, सीता सीत निशा सम आई, वापस करो वापस करो। मंदोदरी रावण से निवेदन करती है, रघुवर की सिया हर लाए मति मारी गई रे भरता, भला रे मति मारी गई रे भरता, रघुवर मारी गई रे भरता, भला रे मति मारी गई रे भरता, जय राम।
सीता सीत निशा समय आई, सीता को वापस करो। तो रावण क्या कहता था, जो हम लोग कहते हैं, समझो। रावण कहता था आज मना लें कल वापस कर देंगे। ध्यान से सुनो, रावण कहता था आज मना लें कल वापस कर देंगे, आज मना लें। हम लोग यही कहते हैं, चलो चलो आज कर लेते हैं कल से नहीं करेंगे, आज ले लेते हैं कल से छोड़ देंगे। बंधुओं माताओं, कल कभी किसी का नहीं आता, कल किसी का नहीं। एक निवेदन कर दूं, आपके मतलब का निवेदन है, इसलिए कल पर कभी टाला मत करो कुछ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो पूरी करोगे। तुरंत करो, तुरंत। काल करे सो आज करे, आज करे सो। अब बंधुओं माताओं, रावण रोज कहता था कि आज मना लूं कल, आज मना लूं कल, कल 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 करते हुए रावण का काल आ गया। लेकिन कल नहीं, कल नहीं, कल किसी का नहीं। जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर। टालिए मत। इसलिए एक निवेदन कर रहा हूं, आप जो कुछ भी पूजा पाठ ध्यान ध्यान भजन यज्ञ तप व्रत दान जो भी करते हैं, जो भी करते हो, उल्टा पुल्टा हंट संट सीधा जैसा भी करते हो, जो भी करते हो पूजा पाठ, उसको कल पे मत टाला करो। निवेदन, हाथ जोड़ कर। कई बार हम लोग यही करते हैं, पूजा को कल पे टाल देते हैं। और आपको अनुभव बता दूं, और आपका अनुभव मेरा अनुभव लगभग एक जैसा होगा, मुझे ये विश्वास है। एक बार यदि सुबह किसी कारण से हाथ से माला छूट गई कि बाद में कर लेंगे, अभी ये निपटा लें, 24 घंटा बीत जाएगा, माला हाथ में नहीं आएगी। एक बार यदि पाठ की पुस्तक किन्हीं कारणों से आपने बंद कर दिया, निशान लगा के पन्ना मोड़ के मार्कर लगा के कि अब बाद में पढ़ लेंगे, 24 घंटा बीत जाएगा, दोबारा पाठ की पुस्तक नहीं खोल सकते। इसलिए दूसरा निवेदन जोड़ रहा हूं, पूजा पाठ का बड़ा नियम कभी मत बनाना। मेरी बात कुछ अटपटी लग सकती है, जो बड़ा बनाए हो करते रहना, मेरे कहने से मत छोड़ना। लेकिन मेरी ये सावधानी है, पूजा पाठ का जो भी बड़ा नियम बनाते हैं, धीरे धीरे पीछे से छूटता जाता है, आगे से नया जुड़ता जाता है, पीछे से छूटता जाता है। जो बाबा जी आएंगे वो बता देंगे, वो वाला जोड़ लोगे, पीछे वाला छूटता जाएगा। पूजा पाठ का जितना छोटा नियम हो वो बनाना चाहिए, लेकिन जो बना लो उसको बिना किए संसार चाहे इधर से उधर हो जाए, प्रलय हो जाए, लेकिन उसको छोड़ना मत। तब तो कुछ नियम हो पाएगा, तब तो कुछ भजन हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता है। तब तो कुछ हो सकता है। बंधुओं माताओं, पूजा पाठ का छोटा नियम बनाओ, बड़ा मत बनाओ। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। एही काली काल साधन दूजा, एही काली काल साधन दूजा, जो सबसे छोटा दो नियम कौन सा है? राम ही सो मेरी गाइए, राम ही सो मेरी।
छोटा नियम बना तो गुरु जी कल कर दे, जाओ राजन जाओ। और यहां से महाराज दशरथ आए हैं, सभा भरी थी और महाराज ने भरी सभा में घोषणा कर दी, भरी सभा में, कि राम राजा बनेगा, राज्याभिषेक होगा राम का। ओहो, पूरी पूरी अयोध्या खड़े होकर महाराज की जय जय, महाराज की जय हो, महाराज जैसा कोई राजा नहीं, महाराज जैसा प्रजापालक नहीं, महाराज जैसा अन्नदाता नहीं, जय हो जय हो जय हो, महाराज की जय हो। जिया हूँ जगतपति बरिस किरोरी, मेरी आयु आपको लग जाए, क्यों? क्योंकि जग मंगल भलु काज विचारा, क्योंकि आपने जगत के मंगल का कार्य विचार किया है। क्या सुंदर श्रेष्ठ विचार है, जय हो राम राजा। राम राजा बने, राम राजा बने, पूरी अयोध्या में एकदम खुशी की लहर, खुशी की लहर, राम राजा बने। लेकिन यहां एक छोटी सी भूल हो गई, भूल मानो या इसको हम सबके लिए सीख मानो, दोनों बातें। महापुरुषों कई बार अपने सिर पर अपयश लेके आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ करते हैं, समझना भाई। कई बार महापुरुष अपने सिर पर अपयश लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता, यत यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना, रास्ता क्या बनाया उसको दर्शन करना। महाराज दशरथ से अब ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने दो नौकरों से कहा, जाओ वशिष्ठ को। तब नरना वशिष्ठ बोला, तब नरना वशिष्ठ बोला, कहा जाओ गुरुजी को बुला। कई बार हम लोगों से भी यही गलती हो जाती है, जाओ पंडित को बुलाओ। अरे पंडित जी बोलो यार, पंडित क्या होगा, दूसरों को सम्मान नहीं दोगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। ये भीख मांगने की चीज नहीं, हम ये सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, ये भीख नहीं है, सम्मान को अर्जित करना पड़ता है, सम्मान को आपको कमाना पड़ता है। दूसरों को जीवन भर अपमानित किया, तुमको कौन सम्मान देगा भाई। मेरा निवेदन है, छोटों को भी सम्मान दो, सबको ये हेकड़ी दिखाने से काम नहीं चलता है। और जिन संसाधनों के आधार पर हेकड़ी जमा रहे हो, ये सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, किसी का न गया न आपका जाएगा। सबसे प्रेम से हम लोग दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कथा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
गंगा बहाते चलो। बंधुओं माताओं, पहले भी मैंने बोला था, फिर से बोल देता हूँ, ये कथा दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के सेवा प्रकल्पों को समर्पित है। मैं बहुत बड़ी बड़ी कोई बात तो आपसे नहीं करूंगा, लेकिन आप जाकर देखोगे तो आपको सेवा की एक कल्पना मिलेगी, सेवा का एक एक जीता जागता स्वरूप का दर्शन आपको हो जाएगा। जब उन बच्चों को देखोगे आप, कुष्ठ रोगियों के बच्चे जिनके माता पिता कुष्ठ रोगी हैं, जो भीख मांगते थे, जो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते थे, आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन उन बच्चों को पाल रहा है, पोष रहा है। और बताने में आश्चर्य होता है और हर्ष होता है कि वो कुष्ठ रोगी का बच्चा जो शायद कभी सामान्य शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकता था, आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रयास के कारण आज मॉरिशस में अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, आज वहां वो डॉक्टर बन रहा, कोड़ी का बच्चा, कुष्ठ रोगी का बच्चा। ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन पुण्य का काम करता है, प्रेम की गंगा प्रवाहित करता है। मेरा निवेदन है, परमात्मा ने जो भी सामर्थ्य आपको दिया है उसका भरपूर देने से घटेगा नहीं यार। मैं आपसे छोली फैला के भीख मांग रहा हूं, मुझको नहीं, मिशन के बच्चों, जो कुछ हो सकता हो, जैसा भी सहयोग कर सकते हो, आपके पास पर्याप्त अन्न होता हो कार्यालय में अन्न ला के दे दो, वो हरिद्वार चला जाए, आप धन दे दो, जो जो भी विधा मिशन के लोगों ने चुनी है सहयोग करो, मेरा आपसे निवेदन है, ताकि बस्ती से उन बच्चों के लिए कुछ पहुंचे, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप मेरे माई बाप हो, इसलिए बच्चा अपने माँ बाप के सामने भीख मांग रहा हूं मिशन के बच्चों के लिए, बस इससे ज्यादा क्या निवेदन। महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, मेरा निवेदन है जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो न्यूनतम स्वयं तो कम से कम महाआरती में सम्मिलित हो, सब लोग। कथा के बाद कार्यकर्ता आरती का कूपन ले रहे हैं, उनसे कटवाना, कुछ लोग चाहें तो कार्यकर्ता बनकर स्वयं लेकर कूपन जाएं, अपना फोन नंबर लिखवा के। 1,000-2,000 लोग आरती यहां करें, क्या स्वरूप बनेगा, दिव्य स्वरूप बनेगा, भगवान के राज्याभिषेक की आरती दीपावली के ठीक पहले, यह अद्भुत संयोग बन रहा है भगवान की कृपा से। जैसा भी जितना हो सके मिशन के लिए आप सब सहयोग करिए, बार बार ये अवसर परमात्मा नहीं देगा, मेरा आप सबसे निवेदन है। और अब यहां से वशिष्ठ जी तो साधु हैं, देखो दो सेवक गए हैं वशिष्ठ जी के पास कि आपको महाराज ने बुलाया है। देखो साधु कौन होता है, साधु का कोई मान सम्मान नहीं होता है, वो सब सब अवस्था में सम रहता, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, उसका कोई वो सहन कर लेता है। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल रहता है, अस्त होते समय भी लाल रहता है, वैसे ही साधु तो सम रहता, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम, वो तो एक होता है, वो तो वशिष्ठ जी साधु हैं, उनको कोई फर्क नहीं। देखो हम लोग झुझला जाते हैं, हम लोगों को ईगो हर्ट होता है, हम लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचती, साधु के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, क्या कहना के भवन में सीख दे आइए, राम धाम सीख देन पठाए, बाबा लिख रहे हैं। अब देखो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि राम को बुलाते, बेटा
तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, जाओ गुरुजी के आश्रम में उनको प्रणाम करके आओ, उनसे आशीर्वाद लेकर आओ, उनसे राज्य के संचालन की कुछ विधि, कुछ तौर तरीके, कुछ नियम सीख के आओ, जाओ। राम गुरुजी होना ये चाहिए था, हो गया उल्टा। गुरुजी जाओ, राम धाम सिख देन पठाए। हा हा, गुरु तो गुरु होता है, उसको क्या मान सम्मान यार है? गुरु को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना ये सुन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, हो मगन रहना, हो मगन रहना, हाँ मगन रहना, हाँ मगन रहना, हाँ मगन रहना, कुछ लेना कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन से लिपट रहे हाँ, गुरु चरणन से लिपट रहे हाँ, कुछ लेना के द्वार पे आ गया। भगवान को भीतर पता चला गुरुजी का आगमन, गुरुजी का पागलों के सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमन तदपि उचित जन बानी सपीते पढ़ाय काज नाथ असनी। अरे भगवान पागलों की तरह नाचने लगे, सेवक के द्वार पर स्वामी का आगमन, ये सभी प्रकार से अमंगल का नाश करके मंगल करने वाला है, ये अमंगल का नाश करेगा। बंधुओं माताओं, सेवक के द्वार पर स्वामी का आगमन, मंगल मूल अमंगल दमनु, फिर भी भगवान का स्वभाव देखो, हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे गुरुजी अच्छा तो ये होता कि आप हमको बुला लिए होते, मैं आ गया हो। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति प्रेम पूर्वक, अरे आप हमको बुला लेते, मैं आ गया होता, नहीं नहीं कोई बात नहीं, राम कल तू राजा बनेगा, तेरा राज्याभिषेक होगा, संस्कार होगा। अरे जो स्वयं सारे संसार का राजा है,
वो भी नर लीला करने आता है तो उसका संस्कार होता है, लेकिन नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य मियते विक्रमादित्य राजस्य स्वयमेव मिगेन्द्रता। किसी शेर का राज्याभिषेक होते आपने देखा है, गए हो सब लोग शेर का राज्याभिषेक, कोई जाएगा वहां? लेकिन नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य, वो तो राजा होता ही है, भगवान तो राजा है ही, लेकिन चूंकि नरलीला करने आए राम, तुम राजा बनो। और इसलिए आज रात सब प्रकार से संयम का पालन करना, राम करहिं तुम संयम आजु, मनसा वाचा कर्मणा संयमित रहना। और वशिष्ठ जी इतना बोलकर तो चले गए आश्रम में अपने, और यहां से भगवान को जब सूचना मिली है कि उनका राज्याभिषेक होगा, वाहे मेरे प्रभु, वाहे मेरे राम, अपने कक्ष में आए और अपने आसन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, चीखने लगे। जानकी जी दौड़कर आए, अरे प्रभु रो क्यों, क्या ऐसी बात होगी, गुरु जी कुछ ने बोल दिया क्या, अरे बोलो तो रो क्यों रहे, और खिलकी भर भर के रोने लगे। जानकी बोलो मत बोल, अरे हुआ क्या, बोलिए प्रभु बोलिए जानकी। वैसे तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं रघुवंश में पैदा हुआ, लेकिन रघुवंश की एक मान्यता हमको बड़ी कष्ट देती है। वैसे तो सारी मान्यताएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन एक मान्यता हमको कष्ट देती है। हम चारों भाई साथ पैदा हुए, साथ पढ़े लिखे खेले कूदे, साथ विवाहित हुए, हम जब सब साथ साथ किए हैं तो जब राजा बनाने की बारी आती है तो बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, सारे छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा क्यों बनाया जाता है। विमल वंश यहाँ अनुचित एक, यही एक बात मुझे खराब लगती, अनुचित लगती है, क्यों मुझको राजा बनाया जा रहा है। और सुनो जानकी, अयोध्या यदि ये सोचती हो कि राजा बनने से राम प्रसन्न हो जाएगा, मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो जानकी राम कभी भी राजा बनने से प्रसन्न नहीं होगा। यदि वास्तव में लोग राम की प्रसन्नता चाहते हैं तो मेरे छोटे भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, तब राम को प्रसन्नता होगी, तब राम को आनंद होगा। ताली वही नहीं बजाए हैं जो छोटे भाई और बड़े भाई का धन हड़पने वाले हैं, वही नहीं बजाते। एक त्रेता का भाई है जो छोटे भाई के लिए मांग रहा है राज्य, और एक कलयुग का भाई है आपस में मुकदमा लड़ रहा है एक एक इंच के लिए। आप जाके देखो कचहरी में कई वकील साहब लोग आए होंगे, उसे लड़ते रहो, इनका धंधा चलेगा हमको क्या। लेकिन कितना आप सोचो कैसा, मतलब क्या अन्याय अनर्थ हो रहा है। मेरा छोटा भाई राजा बनया, यही रामराज्य है लो, यही रामराज्य। ये रामराज्य कोई भाषण से नहीं आता, ये रामराज्य का नारा लगाने से, जिंदा लगाने बात से होते कुछ नहीं होता है। ये हाथ फेंक फेंक के बोलना बहुत आसान होता है, जीना बहुत कठिन होता है। छोटा भाई मेरा बड़ा बने, क्यों मुकदमे लड़ते हो, दे दो यार, मन बड़ा करो। अरे हम तो उस संस्कृति के रहने वाले हैं जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम पूरे संसार को परिवार माना जाता है, और आप अपने ही परिवार में खलल डाल रहे हो, विघ्न डाल रहे हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा महापाप कोई नहीं। ये राम कथा भागवत कथा सुनने का ये परिणाम होना चाहिए, हम थोड़ा कम में रह लेंगे, हम थोड़ा दुखी रह लेंगे, हम थोड़ा कम सुविधाओं को भोग लेंगे, लेकिन मेरा भाई थोड़ा ज्यादा भोगे। ये सोचना शुरू कर दोगे, मुझे लगता बंधुओं माताओं भाषण और कथा की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में स्वयं कथा का प्रवाह होने लगेगा, राम स्वयं आपके घर में आकर बैठ जाएंगे। बस परिवर्तन, चिंतन में, विचार में, सोच में परिवर्तन लाना, सोच सोच। बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेक हो, विमल वंश अनुचित। और बंधु माताओं यहां अयोध्या में तो खुशी मनने लगी कि राम राजा बनेगा। हमारे राम भद्राचार्य जी बड़ा सुंदर भजन गाते हैं ना, कि मेरे ऐसा राम जैसा राजा इस संसार में कहां मिलेगा,
राजे भी देखे महाराज भी देखे, राजे भी देखे महाराज भी देखे, राजे भी देखे महाराज भी देखे, राजे भी देखे महाराज भी देखे। राम जैसा कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा, खुशी मना रही है। और अब देवताओं की यहां मीटिंग चल रही है, बंधु महात्मा देवताओं की यहां बैठक चल रही है। बैठक में सरस्वती जी को बुलाया गया है, विशेष आमंत्रित सदस्य। क्या कहा गया? सरस्वती जी ऐसा करिए, जाइए जरा अयोध्या में विघ्न की रचना करके आइए। विघ्न की? हाँ, ये राम राजा नहीं होना चाहिए। और जैसे सरस्वती जी ने सुना है, एकदम देवताओं को डांटा है, रे यार हैं दिन खोपड़ी खराब है तुम्हारे। ए देवताओं, रहते ऊंचे आसन पे हो और सोच इतनी घटिया, ऊंचे निवासो नीच कर दो, ऊंचे निवासो नीच कर दो, ही पराई विभूति। उच्च निवास नीच कर दूती, उच्च निवास नीच कर दूती, देखी न सकई पराई विभूति, देखी न सकई पराई विभूति। अरे ऊंचे आसन पर बैठते हो और इतनी नीची सोच। देखो बंधुओं माताओं, गीध और चील आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि सदैव धरती पर पड़े सड़े मांस के लोथड़ों और टुकड़ों पर है। कोई केवल आसन बड़ा पा जाने से आसन वो बड़ा नहीं हो जाता, कई बार उसके प्रारब्ध से आसन तो बड़ा मिल जाता है, लेकिन वो अपने कर्मों से उस आसन को गंदा कर देता। चमक ऊंच निवास नीच कर दो, देख न सकें पराए। और बड़े लोगों का यह दोष होता है, बड़े लोग छोटे लोगों के यहाँ की खुशी देख नहीं पाते। क्षमा कर देना भाई, उनके गैरेज में भले 8 गाड़ी खड़ी रहे, लेकिन उनका नौकर यदि छोटी साइकिल भी खरीद लेता, अच्छा साइकिल खरीद, उसकी साइकिल भी इनकी आंख में चुभती है।
इनके यहाँ 10 गाड़ी खड़ी रहे, वो एक टूटे ही साइकिल नहीं खरीद सकता है। देख न सके पराई विभूति, दूसरे के वैभव को नहीं देख सकते हैं, यही अहंकार है। अरे तुम्हारे 8 गाड़ी है तो वो मारुति खरीद ले जाता क्या है? हो उनको तो खुश होना चाहिए। यही प्रथा धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए देश में, से हो रही है। संकेत अच्छे है, संकेत शुभ है, लक्षण ठीक चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो। देवताओं ने कहा सरस्वती जी ये भाषण मत दीजिए, भाषण हम आपसे अच्छा दे लेते। यदि राम राजा बन गया तो रावण की समस्या उसी तरह बनी रहेगी, फिर आप जानो आपका काम जाने। सरस्वती जी फंस गए, कुछ हरि की इच्छा, कुछ परमार्थ का उपदेश, और उनको आना पड़ा अयोध्या में। बंधुओं माताओं, सरस्वती जी अयोध्या में आ रही हैं किस लिए जानते हो? खोपड़ी खराब करने के लिए, विघ्न की रचना के लिए, विघ्न बनाने के लिए सरस्वती जी स्वयं आ रही है, क्योंकि ये विघ्न भविष्य में सुखकारी होने वाला है, सुखदायी होने वाला है। कई बार ऐसे विघ्न जीवन में आते हैं, उन विघ्नों को देख के घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उन विघ्नों को धीरे से बस प्रणाम करके सह लेना चाहिए, उसका परिणाम भयावह सुखद सुखद। अयोध्या में इतना बड़ा विघ्न, सरस्वती जी का आगमन अयोध्या, सरस्वती जी अयोध्या में घूम रही है, घूम रही है। किसकी बुद्धि बिगाड़े, किसकी बुद्धि बिगाड़े, किसकी बुद्धि बिगाड़े है? अब कोई मिले तब ना बिगाड़े। अरे अयोध्या में किसी की बुद्धि तुम बिगाड़ सकते हो? अयोध्या तो ऐसी सुंदर है, जहाँ संत भरे, जहाँ है क्या है, हो भजन गाया जाए एक लाइन। ले चले अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सब अयोध्या चलो, अयोध्या करती है आह्वान। ले चले अपनी नगरिया, ले चले अपनी नगरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। रघुवर झाकी कनक भवानी
जय, राम जन्मभूमि की जय। बंधुओं माताओं, सरस्वती जी का आगमन हुआ है। सरस्वती जी विचरण कर रहे हैं, किसकी बुद्धि बिगाड़े, किसकी बुद्धि बिगाड़े, किसकी बुद्धि बिगाड़े, किसकी बुद्धि बिगाड़े। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी बुद्धि बिगाड़ सके सरस्वती जी। बंधु माताओं, सरस्वती जी ने एक निर्णय दिया है अयोध्या के संदर्भ में। अयोध्या के संदर्भ में ऐसे एक निर्णय तो अब आने वाला है जल्दी, एक निर्णय वो लिखा जा रहा है इस समय न्यायालय में। लेकिन एक निर्णय बहुत पहले सरस्वती जी ने दे दिया था अयोध्या के संदर्भ में, जानते हो क्या? जब सरस्वती जी विचरण करके यह खोज रही थी कि किसकी बुद्धि हम बिगाड़ें, किसकी बुद्धि बिगाड़ें, तो और जब किसी की बुद्धि नहीं बिगाड़ पाए, तो सरस्वती जी ने अयोध्या के संदर्भ में यह निर्णय दिया, ये विचार प्रस्तुत किया है कि जिसका जन्म इस अयोध्या की भूमि में हुआ होगा और जिसने पवित्र सरयू का जल पिया होगा, उसकी बुद्धि हम नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई होगी, इतनी पवित्र हो गई होगी, उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, नहीं, नहीं। कोई सामान्य भूमि है, अवध की भूमि है। जो भूमि राम को पैदा करे वो कोई सामान्य भूमि। अरे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई, बड़े सौभाग्यशाली। इसका भान नहीं हो पा रहा होगा, बात अलग है, बड़े सौभाग्य। तो सरस्वती जी ने सोचा कि बुद्धि उसकी बिगाड़ी जा सकती है जो अयोध्या में न पैदा हुआ। खोजने लगी, खोज रही है और खोजते खोजते मिल गई। नाम मंथरा मंद मंदी चेरी कई हे अजस पिटारे ताहे मती। मंथरा मिल गई। बंधुमा तो मंथरा कौन है? मंथरा कैकेय देश से महारानी कैकेयी के साथ आई थी। तो मंथरा जानते हो कौन है? एक तो मंथरा दहेज का सामान है। दहेज का सामान कितना रुलाता है, दर्शन कर लो अभी, और दर्शन करने के बाद सावधान हो जाओ, इसलिए दर्शन करा रहा हूं। मंथरा दहेज का सामान है, और जो अभी भी लोग मुंह बा के बैठे हैं दहेज के लिए, उनके लिए बोल रहा हूं। जो लोग ले चुके हैं वो क्या करोगे, उला के दे देना, मिशन में देखा जाएगा। हाँ, जो नहीं लिए उनके लिए सावधान है, जो ले लिए हो चलो इसी भूल चूक लेनी देनी देखा जाएगा। जो देखो बड़ी तात्विक विवेचना है। मंथरा दहेज, दहेज का सामान कितना रुलाता है। मंथरा दहेज के रूप में कहके देश से महारानी कहके के साथ सेवा करने के लिए आई थी। दहेज का सामान बहुत रुलाता है। बंधुओं माताओं, निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर, किसी बेटी को और किसी बेटी के परिवार को, विशेष रूप से बेटी के बाप को, दहेज के लिए जो रुलाता है ना, आप क्या सोचते हो किसी को रुला के आपके घर हंसी खुशी आ सकती है? कठोर बात बोल रहा हूं, क्षमा कर देना। किसी को रुला के आप खुशी हासिल करना चाहते, प्राप्त करना चाहते किसी बेटी के बाप को, क्योंकि आपके बेटे ने बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा बड़े भारी पैकेज पे काम कर रहा है, तो उसका भरपाई करते हो, दहेज के पैसे बेचते हो अपने बेटे। भागवतकार ने लिखा था भागवत के महात्म में, कन्या विक्रियणो लोभा दंपत्ति नाम चकल कनम। क्रय विक्रय होने लगेगा संबंधों का, और आज हो रहा है, दाम लग रहा है। अध्यापक है तो इतना, इंजीनियर है तो इतना, डॉक्टर है तो इतना,
आइए से तो इतना, पीछे से तो इतना, ऐसा है वैसा है, ये दाम लग रहा है क्यों? आपने बेटे ने अपने आप को बहुत पढ़ाया था, उसको बनाया था, तो क्या बेटी के बाप ने क्या स्कूल के पीछे पढ़ा रहे थे उसको? बेटी के बाप, बेटी का बाप बेटी को नहीं पढ़ाता है, उसके में खैरदा नहीं होता, पैसा नहीं लगता है। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर समझ सको तो समझो, किसी बेटी के बाप को सताइए मत, परेशान मत करिए, इस आधार पर कि वो आपका बेटा बड़ा योग्य है, उसको उसकी करोड़ रुपया लगा है पढ़ाने में, तो उसको कई करोड़ वसूल ले। मत रुलाइए किसी बेटी के, मत आडंबर करो चलेगा, मत भरे पेट वालों को खिलाओ चलेगा, कम लाइट लगाओ, कम बाजा बजवाओ चलेगा, कम तमाशा करो सब चलेगा, लेकिन किसी बेटी के बाप को रुलाना मत। मेरी व्यासपीठ आपसे प्रार्थना करती है। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि दहेज के पैसे से बड़ी नाक ऊंची हो जाएगी, दहेज के पैसे से बड़े आदमी हो जाएंगे, बंधुओं माताओं, जो अपने पुरुषार्थ और अपने कमाई से बड़ा आदमी नहीं हो सकता, दहेज के पैसे से कभी बड़ा आदमी नहीं हो सकता। व्यासपीठ निवेदन कर, नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बेटी का बाप अपने खुशी से कुछ दे तो उसको ले लो, लिस्ट मत भेजो, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, हैं भीख मांगा, क्या तमाशा है, लिस्ट मांगते। ए, मैं देखा हूं अपने आंखों से, सब अनुभव से बोल रहा हूं, ये कहीं मानस में नहीं लिखा है, अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने देखा है इसी उम्र में अपने लोगों को लिस्ट देते हुए, लिस्ट पढ़ते हुए। दूसरा, एक तो दहेज का सामान है मंथरा, और दूसरा क्या है? दूसरा मंथरा कुसंग है, समझिए गंभीर परिभाषा। मंथरा, हाँ मैया चढ़ा पड़ा, मंथरा कुसंग है। लोग कहते हैं मंथरा दो कौड़ी की दासी है, नौकरानी है, कुबड़ी है, ये क्या कर सकती है? बंधु माताओं, जिसने मंथरा को दो कौड़ी की दासी नौकरानी समझा है, उसी का बट्टा बंटाधार हो गया, उसी सत्यानाश। मंथरा दो कौड़ी की नौकरानी नहीं है, रामचरितमानस की सबसे ताकतवर प्राणी का नाम मंथरा है। आइए सांसद जी, मंथरा दासी नहीं है, मंथरा नौकरानी नहीं है, मंथरा कुबड़ी नहीं है। बंधु माताओं ध्यान से सुनो, मंथरा रामचरितमानस की सबसे ताकतवर प्राणी है। देखो, इसी मंथरा ने अयोध्या के राज्य का सत्यानाश कर दिया, इसी ने महाराज को मरने के लिए मजबूर कर दिया, इसी ने महारानियों की मांग सुनी कर दी, इसी ने अयोध्या के राज्याभिषेक के उत्सव को टलवा दिया, इसी ने भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, लेकिन इस मंथरा का कोई बाल बांका नहीं कर सका है। और बंधुओं माताओं, 14 वर्ष के बाद जब भगवान लौटकर अयोध्या में आए हैं, तो अयोध्या में जब राज्याभिषेक हो रहा था, तब भी मंथरा वहां उपस्थित, रामचरितमानस की सबसे ताकतवर प्राणी का नाम है मंथरा। क्यों? क्योंकि वो कुसंग है। निवेदन कर रहा हूं, कुसंग को कभी छोटा मत समझना, मंथरा को दासी कुबड़ी नौकरानी मत समझना, मंथरा कुसंग है। और कुसंग किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना, रोज रोज नहीं लेते, होली दिवाली दो घूंट ले लेते हैं, ये एक बार जो दो घूंट चला गया ना मुंह में, तो न रोते हुए बच्चे छुड़वा सकते हैं, न तड़पती हुई पत्नी छुड़वा सकते, फिर चिता छुड़ावे तो छुड़ावे, बीच में भगवानों नहीं छुड़ा, फिर वही ताली नहीं बजाए कौन? हाँ, जो होली दिवाली ले, हाँ। अब वो सोच रहे हैं बजा के फंस जाएंगे, दिवाली आने वाली है, आ बैल मुझे मार है। देखो, ये कुसंग है मंथरा।
ये तो मैंने उदाहरण के लिए ये आपको बताया है, ये दो घूंट की घटना। इस प्रकार की कोई भी जीवन में घटना प्रवेश करती है वो कुसंग है, वो मंथरा, और मंथरा रुलाएगी। मंथरा का भविष्य है रुलाना, परेशान करना। बस और क्या निवेदन करूं आपसे। लोग कहते हैं महाराज जी कुसंग क्या है हम समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए कुसंग किसे कहते हैं। देखो मैं तो आपके बीच का ही बालक हूं, मुझे तो बड़ी परिभाषाएं नहीं पता है, बड़ा विद्वान भी नहीं, मेरी आयु भी उतनी ज्यादा नहीं, मैं शास्त्रों का उतना अध्ययन भी नहीं किया है। वो गुरु कृपा से आप सबकी शुभकामनाओं से आशीर्वाद से जो भी मानस के प्रसाद स्वरूप बोल पा रहा हूं। कुसंग किसे कहते हैं, एक सूत्र दे रहा हूं, समीकरण। अगर जीवन में घटा के देखना, यदि इससे लाभ हो सके तो लाभ प्राप्त करना। जिस कार्य को करते समय, जिस आचरण को करते समय और जिस व्यवहार को करते समय, तीनों समानार्थक शब्द हैं, तीनों में सूक्ष्म अंतर है। जिस कार्य को करते समय, जिस आचरण को करते समय, जिस व्यवहार को करते समय मन के किसी भी कोने में ये आवाज आ जाए, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, सोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, समझ लेना कुसंग है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। बस यही परिभाषा कुसंग की, यही परिभाषा। फिर वही भीतर का अलार्म बोलता है, हे बेटा मत करो, हे भैया मत करो, हे बाबा भैया हे मत करो। लेकिन हम ढीठ लोग अलार्म को बंद करते हैं और उसको कर लेते हैं। और बंधुओं माताओं, फिर भी यदि लगता कुसंग से नहीं बच पाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार जो भी प्रकार होता हो कुसंग का, यदि आपको लगता नहीं नहीं अब नहीं बच पाएंगे, अब तो गड्ढे में गिर जाएंगे, अरे प्रभु कुछ मत करो। मैं छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, जब भी आपको लगे आप गड्ढे में गिरने वाले हैं, बस छोटा प्रयोग, पहला प्रयोग। यदि बैठे बैठे आपके मन में ये विचार आ रहे हैं गंदे गलत, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रहे हैं तो चलने लगिए, चलने चलते आ रहे हैं दौड़ने लगिए, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं बैठ जाइए, बैठते बैठते आ रहे हैं लेट जाइए। विचार जब आपके मन में आए अपना आसन बदलिए, आसन बदलते ही विचार का क्रम बदल जाएगा और आप गड्ढे में गिरने से बच जाओगे। ये एक छोटा प्रयोग मैंने आपको बताया, छोटा। दूसरा प्रयोग, लगा इससे भी नहीं काम चलेगा तो मैं फिर अब एम्स का दवाई देता हूं, ये लोकल अस्पताल का था, अब पीजीआई और एम्स का सुनो। जब भी लगे अब गड्ढे में गिर रहे हैं, कमर की हड्डी सीधी करो, अपने ठाकुर के कमरे में, अपने गोविंद के, अपने गोपाल के कमरे में चले जाओ, अपने राघव के कमरे में, अपने पूजा घर में चले जाओ, कमर की हड्डी सीधी करो। और कमर की हड्डी सीधी करके रो रो कर, रो रो कर जय राधा माधव, पुकारो भगवान, जय राधा माधव, जय कुंज जनरंजन।
जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यही बचने का उपाय है और कुछ नहीं। सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। बंधुओं माताओं, अब मंथरा सोचने लगी हम किसकी बुद्धि बिगाड़े। वो अपने बुद्धि विचार के पात्र को ढूंढने लगे तो चली गई कैकेयी माँ के पास। कैकेयी माँ, देखो व्यक्ति अपने मतलब के लोगों को ढूंढ लेता है, क्षमा करना। वैसे तो पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी की एक पुस्तक है, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, वो माता कैकेयी के ऊपर है। कैकेयी वंदनिया या नंदनिया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वंदनिया या निंदनिया। मैंने पहले भी निवेदन किया, कई बार महापुरुष अपने सिर पर अपयश ले लेते हैं जगत का कल्याण करने के लिए। कैकेयी माँ हो सकती उसमें से हो। देखो मंथरा ने ढूंढा कैकेयी को। आपको उदाहरण बताऊं, जैसे आप किसी फंक्शन में जाइए, किसी वैवाहिक मांगलिक किसी कार्यक्रम में, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 वहां अपने मतलब के लोगों का गोल अपने आप बन जाता है। पीने वाले एक तरफ, बिना पीने वाले एक तरफ, महिलाएं एक तरफ, बच्चे एक तरफ, परिचय किसी का नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब अपना गोल बना लेते हैं। बना लेते हैं। ये उनके अंदर एक आकर्षण होता है, वो अपने मतलब के लोगों को। मंथरा पहुंच गई है महारानी के पास। ओ रानी, तुझे कुछ पता नहीं है, क्या हुआ, राम राजा बनने जा रहा है। अरे पागलों की तरह नाचने लगे, अरे वाह रे मंथरे, क्या तुझे इनाम दूं, अरे आज तो मेरी मन मांगी मुराद पूरी, अरे राम राजा पागलों की तरह। मंथरा को लगा, अरे ये तो सही में पागल है, अरे तू समझ नहीं रही है, ये कौशल्या की चाल है। कौशल्या बड़ी चतुर चालाक है, और जैसे ही कहीं कहीं माने सुना है मारा एक तमाचा, खबरदार मेरी मैया को कौशल्या को चतुर चालाक को दिमाग खराब, जीव खींच लूंगी। कहने लगी, अच्छा ये बताओ क्या प्रमाण है तेरे पास कौशल्या चतुर चालाक नहीं है, क्यों नहीं है वो चतुर चालाक, और क्या भीतर की प्रेरणा बोल दी है कैकेयी माँ के भीतर से। अरे मंथरे, कौशल्या चतुर चालाक नहीं हो सकती है, यदि कौशल्या चतुर चालाक होती तो कौशल्या के गर्भ में राम जैसा बालक पैदा ही नहीं हो सकता था, आ ही नहीं सकता था। कौशल्या चतुर चालाक नहीं हो सकती, नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बात करते। राम की माँ सरल सुशील राम महतारी, राम की माँ सरल है सुशील है, ये भ्रम है। अब लगा मेरी दाल तो गल नहीं रही है। अरे सुनो रानी, राम राजा बन जाएगा, कौशल्या राज करेगी, तुम नौकरानी बनोगे, और बोलकर बैठ गए। ये त्रियाचरित्र है, गोस्वामी जी ने लिखा, इसी शब्द का प्रयोग किया, त्रियाचरित्र। त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री का क्षमा करिएगा, हाँ मन हिम्मत जुटा के बोल रहा, चरित्र शब्द हम काट दे रहे हैं, क्रियाकलाप और पुरुष का भाग्य भगवानों नहीं जानते हैं, आदमिक तो बसे नहीं, ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, क्षमा कर। हाँ अभी दो दिन सुनाना है, हो बैठ गई है। ओ
ओ मंथरे क्या क्या हो, देखो कितने नाटक करके, क्या कितने नाटक कर, कौन रे पहो हमें कहानी, कौन रे पहो हो रही है कई कई मास से, कंधा पकड़ लिया मंत्र, लेकिन तेरे मन में ये बात कैसे आ रही है? और बंधुओं माताओं, विज्ञान की छोटी कक्षाओं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है, लकड़ी से करंट नहीं लगता है, लेकिन ये कुसंग सुचालक है, दूर ही से झटका मारता है। अब ये कंधे पकड़ लिए, मंत्र तेरे मन में ये बात कैसे आ रही है? रानी समझा रही हूं, समझ लो ये बड़ा भारी षड्यंत्र है, लेकिन हमने एक ज्योतिषी से पूछ लिया है, राम राजा नहीं बनेगा और तू ही अयोध्या पे राज करेगी। और सुन, महाराज के पास तेरे दो वरदान हैं और आज उचित अवसर आ गया है उन वरदानों को भुनाने का, मांगने का। शाम को जब राजा आए तो तू अपने कक्ष में मत मिलना, चल जा को भवन में और निकाल ये श्रृंगार के कपड़े, पहन ले मैले कुचैले कपड़े और केश खोल कर धरती पर लेट जाना, लंबे लंबे सांस लेना और राजा जब तुझे मनाने आए अपने दो वरदान मांग। भोली रानी फंस गई, कुसंग का जोर इतना भयानक होता बंधु माता, ये फंसा ही लेता है, फंसा ही लेता है। ले लो रोज रोज मौका, ले ले कर, ठीक है राजा हरिचंद बनने से काम नहीं चलता, ऐसा है वैसा है, वो बेटी पढ़ाई में इतना लगना, बेटी को भी देना, ऐसा ले लो ले लो ले लो ले। ये बहुत भयानक जोर है, बहुत भयानक, ये गड्ढे में गिरा। बंधुओं माताओं, समझ गई कही गई महारानी, चली गई को भवन में। भोले राजा को कुछ नहीं पता, राजसभा से उठ के आए हैं और सीधे कही गई माँ के भवन के पास गए हैं, द्वार पर मंथरा बैठी। अगर आप सोचिए जिसके द्वारे पे कुसंग बैठा हो उसके भीतर की क्या स्थिति हो, द्वार पे ही मंथरा, मंथरा कुसंग, द्वार पर कुसंग। मंथरे रानी कहां है? और जैसे ही मंथरा ने कोप भवन का इशारा किया है, एकदम महाराज कांप गए हैं। कोप भवन सुनी सकुचे उड़ा, कोप भवन सुनी सकुचे उड़ा, बल जाके नरपति सकल रहे रूप धाके, नरपति सकल रहे रूप धाके। गोस्वामी जी ने कहा है दुनिया वालों देखो, आज राम का बाप कांप रहा है कोप भवन का नाम सुनते ही, जिसके जाने पर इंद्र भी आधा सिंहासन जिसको देता था, जिसके चरणों में देश के बड़े बड़े राजे महाराजे अपना मुकुट चढ़ाते थे, आज वो चक्रवर्ती अयोध्या का नरेश कांप रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है। देखो ये कुसंग का परिणाम। भोले राजा पहुंच गए हैं, यही कुसंग है, कनक भवन से निकालकर कोप भवन में पहुंचा देता है।
संस्कृति के सफेद कपड़े उतरवाकर विकृति के काले कपड़े पहनवा देता है, मांग का सिंदूर मिटा देता है, महाराज को मरने के लिए मजबूर कर देता है, भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में भेज देता है। यही कुसंग है। रानी कितने भोले राजा हैं, इनको कुछ नहीं पता है। वो भवन में क्यों आई हो? एकदम मनाने के लिए जैसे ही स्पर्श किया है, अरे राम, जैसे किसी नागिन के फन पर किसी का पैर, मानव भुवन सरोज, हाँ, एकदम झटका। महाराज को लगा, अरे क्या हो गया आज मेरी रानी, मेरी प्यारी, मेरी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे महाराज कैकेयी महाराज, क्या हुआ आज इसको? तो महाराज को लगा, ओहो महारानी ये समाचार मेरे मुख से सुनना चाहती रही होगी और मैंने दिया नहीं तो नाराज हो गई होगी, तो इसको मनाने के लिए महाराज प्रयत्न कर रहे हैं। क्या शब्द बोल रहे हैं? बार बार कही सुमुखी सुलोचनी पिक बचन कारण मोहि सुना शब्द सुनो। महाराज मना रहे हैं महारानी को, सुमुखी सुलोचनी, और स्वामी जी ने कान में उंगली डाल दी, राजन क्या शब्द बोल रहे हो यार, ये आपके मुख से शोभा दे रहा है? कोई 80 साल का बुढ़ा अपनी बुढ़िया से कहे हे सुमुखी, कैसा लगेगा? गाल पे झुर्री पड़ी, हे सुमुखी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, मोटे मोटे लेंस के चश्मे लगे हैं, कोई बुढ़ा कहे अपनी बुढ़िया हे सुलोचनी, मुंह में एको दांत नहीं बचा है। अच्छा जिसके दांत ना हो उसको केला खिलाइए, देखिए कितना मजा आएगा। केलवा मितकाल करता है, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर इधर, उस अटके ही नहीं पाता है, वो मितकाल करता है। दांत नहीं है, अब कोई कहे बुढ़ा हे पिक बचनी, महाराज यही बोल रहे, बार बार कही राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, जी को बड़ा अटपटा लगा, रे राजन देखो बड़ी सावधानी से उन्होंने लिख दिया है, तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक ले कही। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने बहुत सारे विषयों को पर्याप्त विस्तार दिया है, लेकिन मेरे बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा मर्यादा में लिखते हैं, संकेत कर दिया, तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक ले। रानी नहीं मानी तो राजा को लगा और कुछ मनाया जाए, तो अब अपने पुरुषार्थ का कहूं के ही रंग कही करहूं नरेशो, कहूं के ही रंग कही करहूं नरेशो, कहूं के ही पानी निकासी देशो, कहूं के दे किस रंग को राजा बना दे, किसको देश निकाला दे दे, किसका सिर धड़ से अलग कर दे, बोलो बोलो बोलो। अरे किसी ने कहा राजा बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हो, केवल उतना ही करके दिखा दो जो तुम राज्यसभा में घोषणा करके आए हो, बस हम जान जाएंगे तुम बड़े राजा हो, बड़े तपस्वी हो, केवल राम को राजा बना के दिखाओ, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। और बंधुओं माताओं, जो राजा अपनी प्रजा को कीड़ा मकौड़ा कीट पतंगा समझता उस राज्य में राम राज्य नहीं आता है। अरे जनता तो जनार्दन होती है, जनता को तो भगवान का स्वरूप समझकर उसको प्रणाम करना चाहिए, यही राम राज्य की परिभाषा है, यही राम राज्य। किसको तुम हो क्या यार? कई बार यही हम लोग भी गलती कर देते हैं,
अपने को ही सब मान के बैठ लेते हैं। अरे आप कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो वो जो कठपुतली का नाच होता है ना, हम तो वही है नचाने वाला। तो हम लोग वो बंधु महात्माओं, हम मेरा निवेदन है ये झूठे अहंकार को मत पालिए, ये सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं, ये सब यहीं पर रहने वाला है। महाराज दशरथ सोचो चक्रवर्ती अयोध्या का नरेश, वो आज किस प्रकार से विह्वल हो रहा, विकल हो रहा, ये सब यहीं छूट जाएगा, सब छूट। अरे सिकंदर, आपने सुना है ना सिकंदर का नाम? सिकंदर ने अपने सहयोगियों से कहा, सुनो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे ताबूत में दो छेद कर देना। लोगों ने कहा सरकार क्यों? तो सिकंदर ने कहा कि मैं उन छेदों से अपने हाथ को निकाल कर पूरे दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि विश्व विजेता सिकंदर, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, वो भी मरने के बाद खाली हाथ जा रहा है, कोई कुछ साथ में नहीं ले जा सकता। ये सिकंदर बता रहा है। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की शहजादी धज कर जिस दिन मौत की सजा दे आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। महारानी ने एक नहीं माना, तो जानते हो अंतिम प्रयास क्या कर रहे हैं? उनको लगा कि रानी इस समय कुछ चाहती होगी, कुछ वस्तु, तो महाराज को लगा कि अरे अच्छा माताएं किसमें प्रसन्न हो जाती हैं, दो चार साड़ी, दो चार गहने, थोड़ा घुमा दीजिए, आइसक्रीम खिला, हो गया बस। तो महाराज को लगा यही चाहती होगी, हाँ, तो कहने लगे हाँ बताओ क्या चाहिए तुमको। और जैसे पूछा क्या चाहिए, करवट बदल लिया महाराज, अभी तक लिफ्टे नहीं, अब करवट बदल लिया। और लेटे लेटे कह रही कबहू देहू न लेहू, आज तक तो तुमने कुछ दिया नहीं, मायके से जो नाक की कील बनवाई थी उसी से काम चलवा रही हूं, क्या बड़ी बड़ी बात। महारानी ने जब बोला, महाराज को लगा रही तुमको समझ में आ रहा है तुम किससे बात कर रहे? हाँ हाँ पता है, मैं जान रहा हूं किससे बात कर रही हूं, तो मांगो जो मांगना है। तो महारानी को लगा कहीं मुकर न जाए, राजन सत्य बोलो, दोगे कि नहीं, सत्य बोलो। राजा ने कहा मुझे सत्य की चुनौती दी जा रही है। महाराज ने कहा रानी अरे तुम सत्य की चुनौती दे रही हो, तुमको पता है तुम किससे बात कर रही हो? रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जा सकते हैं दिया हुआ वचन। और भोले राजा के समझ में नहीं आया, रानी तो प्राण ही तुमसे चाहती है, और बगल में आके बैठ गई।
जैसे किसी बहेलिए की जाल में कोई पक्षी फंस जाता है और बहेलिया उस पक्षी के एक एक नसों को तोड़ता है, मरोड़ता है, नोचता है, उसी प्रकार से आज भोले राजा महारानी कैकेयी के वाघ जाल में फंस गए हैं और महारानी अब जो प्रहार करेगी एक सहन नहीं कर पाएंगे। बड़े प्यार से बैठ गई, देखो अब गले में हाथ डाल दिया महाराज के। ओहो मेरे राजा, ठगाई हमेशा प्यार से होती है, किसी को ठगना हो तो खूब प्यार करिए, झूठे ओहो आप जैसा तो ओहो आप जैसा चढ़ता जाएगा झाड़ पे। गले में हाथ डाल के, अरे मांगो क्या चाहती हो, कैसी मति भ्रम हो गई है, प्राण लेने जा रही है और महाराज को प्राण प्रिय बोल रहे। सुनो प्राण प्रिय भावत जी हाय, सुनो प्राण प्रिय भावत जी हाय, देहो एक बर भर तहि पहला वरदान भरत को अयोध्या का राज्य। महाराज सुनते ही एकदम शांत हो गए, स्तब्ध हो गए, अरे क्या हो गया मेरी रानी को आज, भरत को राज। चलो वैसे तो इसको मांगना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा राम तो पहले भी चाहता था भरत अयोध्या का राजा बने, लेकिन ये हुआ क्या मेरी भोली रानी को। पहले वरदान से नहीं घबरा रहे थे बंधु माताओं, महाराज घबरा रहे थे दूसरा अब न जाने क्या मांग लेगी रानी, दूसरा वरदान मांगो। और अब महारानी कैकेयी की भी छाती फटने लगी, कोई माँ अपने बेटे के लिए कैसे वनवास मांग सकती है। तो कैकेयी को लगा कहीं वरदान मांगते समय छाती न फट जाए, कहीं हृदय गति न रुक जाए। ओ हो हो, अपने हृदय को सांत्वना देने के लिए कैकेयी माँ ने बीच में दूसरी चौपाई जोड़ी है। मांगा हो दो सरे वर कर जोड़ी, मांगा हो दो सरे वर कर जोड़ी, उदासी वेश में राम को 14 वर्ष का वनवास। सुनते ही एकदम जैसे संगमरमर की मूर्ति गिर जाती है, एकदम थड़ाम से धरती पर गिर गई माँ। अरे आज मेरी भोली रानी को क्या हो गया, राम को वन में भेज रही है, विश्वास नहीं हो रहा महाराज को कि मेरी रानी ये वरदान मांग सके। बोले राजा को लगा कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे, मैं स्वप्न में तो नहीं हूँ, रानी पहले वरदान को तो सुन लिया, मैं दूसरा वरदान सुन नहीं पाया। अरे राजन नहीं देना था तो ये नाटक करने की जरूरत क्या थी, मैंने कहा था कोई चना चबेना नहीं मांगूंगी। रानी क्या मांग, 14 वर्ष के लिए राम को तपस्वी के वेश में वनवास,
एकदम शांत हो गए राजा। जब कुछ नहीं बोले तो कई कई बोल पड़ी हो, क्या सोच रहे हो? क्या मुझे तुम कहीं से खरीद के लाए हो? अरे राम के राज्याभिषेक की सूचना लेकर आए थे तब तो नाच रहे थे। क्या केवल कौशल्या ही तेरी रानी है, मैं तेरी रानी नहीं हूं? क्या केवल राम ही तेरा बेटा है, भरत तेरा बेटा नहीं है? और जैसे ही सुना महाराज ने एकदम कई कई माँ का मुंह पकड़ लिया, रानी ये पाप के शब्द मत बोलो, राम और भरत बोले राम कठिन कर छाती, बोले राम कठिन कर छाती। अरे मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं, अरे राम और भरत तो मेरी दो आंखें हैं, रानी मुझे अंधा मत करो, रानी मुझे अंधा मत करो। अरे क्या मांग रही हो? क्या तुमको पता नहीं है जब विश्वामित्र जी राम को मांग कर लेकर गए थे, कैसे कैसे एक एक दिन मैंने व्यतीत किए थे राम के वियोग में? वैसे तो चारों बेटे मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मेरा राम, हाँ रागो, अरे आज मेरे अयोध्या में कौन आया? किसने मेरी भोली रानी की बुद्धि बिगाड़ी? ओ कैकेयी, मेरे राम से कोई अपराध हो गया हो तो राम का बाप तुझसे चरणों में क्षमा मांग, अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश तुझसे प्राणों की भीख मांगता। नहीं नहीं ये वरदान भगवान, नहीं रानी मैं राम को नहीं भेज सकता, मेरा प्राण है राम। रानी बोल पड़ी है जी। होते प्रात मुनि वेश धरे जान राम बन जा, मोर मरण राम जस निपु समझिया मन। सुनो राजन कान खोल कर, जब नहीं देना था तो नाटक क्यों किया? और प्रातः काल होते ही यदि तपस्वी के वेश में राम वन में नहीं गया तो मेरा मरण, और आपको जब जस एकदम चीख पड़े, ओ रानी नहीं नहीं, अरे यार मैं तेरी श्यामा गाय हूँ, अपनी गाय की हत्या मत कर। रानी अपना उत्तरी बिछा दिया रानी, अरे अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये वरदान मुझसे मत मांग, मैं पहले वरदान को पूरा कर दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान, हे भोलेनाथ हे सूर्य नारायण, ये दिन मेरे दुश्मन को भी न दिखा, सूर्य उदित मत हो। हे सूर्य नारायण, अगर तुम कल उदित हो गए तो अपने तीन तीन जवान बहुओं को विधवा देखो, राम के वियोग में एक दिन मैं नहीं। हे राम हारा घो, अरे मुझे तो लगता था मैं अपने प्राणों से प्रिय रानी को अपने पास रख, और चीख पड़े, ए पापी ए डाई, अरे जब यही दिखाना दिन था तुझे तो क्यों इतना प्रेम का दिखावा? ए विधाता ए विधाता, ये नारी की गति को कोई नहीं जान सकता, मेरा राम, अरे मेरी कौशल्या, आज तक उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, उसके बेटे को जब वन में भेजूंगा तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे मेरा सीधा साधा राम,
आज तक उसने मुझसे सीधे मुंह कभी बात नहीं किया, सामने खड़ा नहीं, और जब वो मेरी आज्ञा सुनेगा वन तो चला जाएगा, लेकिन यदि उसने मुझसे पूछ लिया पिताजी मेरा अपराध बता दीजिए, वन में प्रायश्चित कर लूंगा। रानी, ओ रानी, क्या बोलूंगा? ए शंकर भगवान, अरे किस पाप का फल दे रहे हो? ए विधा, आहारा आहारा, धरती पर चीख चीख, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। सभी बैठे रहना, उठना नहीं, बस 5 मिनट जैसे अभी तक बैठे थे 5 मिनट धैर्य से बैठे रहना। आगे की कथा को कल हम सब ठीक 3 बजे सुनेंगे, 2 दिन शेष हैं, कल और परसों, बुधवार बृहस्पतिवार 23-24। मेरा निवेदन है समय से आइए, जो बच गए हों अपने इष्ट मित्र उनको साथ में ले आइए, कोई बच न जाए कोई रह न जाए, यही सन्मित्रों का सदपुरुषों का लक्षण है। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सहायतार्थ ये कथा है, तो मेरा निवेदन है कि आप सब दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यों से पहले से भी जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े आप जुड़े, महाआरती के कार्यक्रम में सब लोग सम्मिलित हों, मेरा ऐसा निवेदन है। और अब आगे सूचना अभय जी करेंगे, और उसके पहले एक बार क्रिया तो कर ही लें, फिर आज स्तुति नहीं गाएंगे, समय हो गया है। कमर की हड्डी सीधी करो, दोनों हाथ ऊपर, सभी करेंगे, आंख बंद, अपने माता पिता, अपने ईष्ट, अपने गुरु का ध्यान करो, मैं बोलूंगा दोहराना। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माताएं करती हूं जोड़ सकती हैं, दोबारा हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, पुनः हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है,
मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, दोनों हथेलियों को रगड़िए और तेज और तेज और तेज और तेज अपने चेहरे पर अपने आंखों पर स्पर्श कराइए। इस क्रिया को प्रतिदिन दो बार करेंगे, रात में सोते समय, दिन में जागने के बाद प्रातःकाल, इसका सुखद लाभ आपको प्राप्त होगा। अब सूचना सुनिए, फिर आरती लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम सब जाएंगे कल ठीक 3 बजे।